हे एवरी वन सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ पी टी थ्री सिक्सटी फाइव ऑफ रिजन आई एस फॉर इन्वॉमेंट ओके सो आई विल ट्राई टू कवर द मैक्सिमम पोर्शन इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम सो लेट्स गिट स्टार्ट और फर्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट चेंज सो इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है आई पी सी सी का सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज हुआ था उसका पार्ट थर्ड रिलीज हुआ था ओके फर्स्ट ऑफ़ ऑल देखते हैं कि आई क्या है तो इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1988 में बनाया था डब्ल्यू एम ओ एंड यू ने मिलके तो ये इंपॉर्टेंट है डब्लू एन एम ओ एंड यू ने मिलके के आई बनाया था इट इज़ अ यू बॉडी ये भी याद रखना है क्लाइमेट रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स है ये रिलीज़ करता है यू बॉडी है इंडिया इज अ अम्बर एंड इसमें एक और चीज़ से क्वेश्चन आता है कि इट डज़ नॉट इट्स इट डज नॉट इट सेल्फ एंगेज इन साइंटिफिक रिसर्च खुद कोई भी साइंटिफिक रिसर्च नहीं करता है जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी होती है उसी के बेसिस पे अपनी रिपोर्ट्स रिलीज़ करता है ओके okay? एंड इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था इनकी कुछ असेसमेंट रिपोर्ट्स होती हैं स्पेशल रिपोर्ट्स होती हैं मैथ्रोलॉजी रिपोर्ट्स होती हैं तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है अब हमने देखा कि इनका पार्ट थर्ड रिलीज़ हुआ था उसका टाइटल था मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज ओके इसके पहले जो दो पार्ट्स रिलीज हुए थे उनका क्या टाइटल था फर्स्ट वर्स क्लाइमेट चेंज फिजिकल साइंस बेसिस तो पहले आप उसका बेसिस देख रहे हो सेकेंड रिपोर्ट जो सेकेंड पार्ट आया था इसका उसमें इम्पैक्ट एडाप्टेशन एंड वेलरेबिलिटी देख रहे थे एंड लास्ट में इसका मिटिगेशन पार्ट था ओके देन अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज सिंथेसिस रिपोर्ट जो है ये भी आईपीसीसी रिलीज करता है और ये भी ट्वेंटी में रिलीज होगा देन कुछ पैरामीटर्स एंड की ट्रेंड्स ये हैं जो कि वी कैन स्किप ठीक है इग्नोर किया जा सकता है ये इंपॉर्टेंट है कि सेक्टर वाइज शेयर कितना है टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन का तो दिस इज इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा शेयर है एनर्जी सेक्टर का एनर्जी सप्लाई सेक्टर देन इंडस्ट्री देन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज एंड ट्रांसपोर्ट एंड बिल्डिंग तो याद रखना है एनर्जी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट ओके ये याद करके याद रख लो कुछ भी तो so, एनर्जी का सबसे ज्यादा है इंडस्ट्री एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्ट जो है फोर्थ नंबर पर आता है दिस इज इंपॉर्टेंट देन दिस कैन बी स्किप्ड उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज मिथेन एमिशन सो मिथेन एमिशन में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि रिसेंटली दिस ग्लोबल मिथेन असेसमेंट ट्वेंटी थर्टी बेसलाइन रिपोर्ट वॉज रिलीज बाई हुम बाई सी सी ए सी क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉलेशन एंड यू एन ई पी आई पी सी सी किन का था डब्ल्यू एम ओ एंड यू एन ई पी का था राइट तो ग्लोबल मिथेन एमिशन असेसमेंट है और ये भी याद रखना असेसमेंट की बात हो रही है क्योंकि आगे ग्लोबल मिथेन एमिशन प्लेज वगैरह वो चीज़ें भी आएंगी बट जो असेसमेंट वाला होगा बेस लाइन रिपोर्ट है दैट इज़ रिलीज बाई यू एन ई पी एन सी सी ए सी ओके ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया देन वॉट इज मिथेन ये कर लेते हैं पहले तो ये कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस है एंड नेचुरल गैस का एक प्राइमरी कॉम्पोनेंट है लाइफ स्पैन जो है इसका वो ट्वेंटी ईयर्स कम होता है मतलब सिर्फ ट्वेंटी ईयर्स होता है विच इज़ लेस दैन सी ओ टू का जो लाइफ स्पैन होता है बट इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो एटी टाइम्स ग्रेटर होता है देन द सी ओ टू तो मतलब लाइफ स्पैन उसका कम है एज कम्पेयर टू सी लेकिन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है ग्लोबल वार्मिंग का इसीलिए ये थोड़ी ज़्यादा हार्मफुल गैस मानी जाती है देन इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ़ ग्लोबल वार्मिंग तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इट कॉन्ट्रीब्यूट ट्वेंटी फाइव परसेंट टू ग्लोबल वार्मिंग तो ये आपको याद रखना है एंड जो टोपोसर में ओजोन फॉर्मेशन होता है हाफ ऑफ द ग्रोथ जो होती है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की वो बिकॉज ऑफ मिथेन होती है एंड इंडिया इज अमंग द टॉप फाइव मिथेन एमिटर्स इन द वर्ल्ड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट अब यहाँ देख लीजिए कि मिथेन जब कहाँ कहाँ से आ रही है तो इसमें भी जो टॉप तीन चार चीज़ें हैं उनको आपने याद रखना है सबसे ज्यादा मिथे एमिशन आ रही है वेटलैंड से देन फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन से देन लाइफ स्टॉक एंड देन लैंड फिल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट इतना ही याद रख लेंगे तो काफ़ी है वेटलैंड सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं मिथे एमिशन में देन फॉसिल फ्यूल्स देन लाइफ स्टॉक एंड देन एग्रीकल्चर ठीक है लैंडफिल एंड एग्रीकल्चर देन नेक्स्ट इज ग्लोबल मिथेन प्लज तो ग्लोबल मिथेन प्लज जो है ये लॉन्च की गई थी एट सी ओ पी ट्वेंटी सिक्स ग्लास्को में जो हुई थी इसको लीड किसने किया था या किसने लॉन्च किया था तो यूएस एंड यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया था ये ओके okay? जो असेसमेंट था ग्लोबल मिथेन असेसमेंट बेसलाइन रिपोर्ट जो था वो सीसीए सी एंड यूएनई पी का था बट जो प्लज है वो यूएस एंड यूरोपियन यूनियन ने करा है इसमें करना क्या है कि भाई ग्लोबल मिथेनिशन कम करने हैं एटलीस्ट थर्टी परसेंट कम करने हैं बाई ट्वेंटी थर्टी इसको थर्टी बाई थर्टी का टारगेट भी कहते हैं ओके थर्टी बाई थर्टी थर्टी परसेंट एमिशन कम करने हैं बाई ट्वेंटी थर्टी ग्लोबल मिथेन प्लेज एंड इंडिया इज नॉट अ अम्बर ऑफ ग्लोबल मथेन प्लेज ये आपको याद रखना है ठीक है नेक्स्ट इज ग्लोबल एनर्जी मोनीटर तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि किसी बहुत बड़ी या इंटरनेशनल बॉडी ने इसको रिलीज नहीं कराया है ठीक है सिर्फ एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये ग्लोबल एनर्जी मोनीटर दैट्स इट नेक्स्ट इज इंटरनेशनल मिथेन एमिशन ऑब्जर्वेट्री दिस इज इम्पॉर्टेंटेंटें बिकॉज यू एन ईपी का इनिशिएटिव है एंड ऑल्सो यूरोपियन कमीशन भी इसको सपोर्ट कर रहा है तो इंटरनेशनल मिथेन एमिशन ऑब्जर्वेट्री यू एन ई पी ओके एंड दिस इज ऑल्सो एन इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर ऑफ ग्लोबल मिथेन ब्रज तो ग्लोबल मिथेन ब्रज को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है इंटरनेशनल मिथेन एमिशंस ऑब्जरवेट्री ओके देन नासा का एक एमिट मिशन है नासा का एमिट मिशन है विच इज रिगार्डिंग अर्थ सर्फेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन तो अर्थ सर्विस में जो मिनरल डस्ट आ रही है उसके सोर्स को इन्वेस्टिगेट करने का एक प्रोजेक्ट है तो एम आई जो है अमित में वो याद रखना है मिनरल डस्ट को इन्वेस्टिगेशन करना है तो वही से आपको याद आ जाएगा ओके okay? देन यहाँ पे कुछ सुपर इमिटर्स का मैंशन uh, करा हुआ है दैट एमिट मिथेन एट हाई रेट्स क्या क्या होती हैं जो भी फैसिलिटीज़ हैं इक्विपमेंट्स हैं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे फॉसिल फ्यूल वेस्ड एग्रीकल्चर सेक्टर तो यहाँ से मिथेन हाई रेट्स पे एमिट होता है उनको कहते हैं सुपर एमिटर्स ओके द नेक्स्ट इज ओशन एसिडिफिकेशन एंड आर्कटिक आइस तो इसमें बस ये कि आर्टिक आइस जो है या आर्टिक रीजन जो है आपको ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है ओशन एसिडिफिकेशन होता क्या है मीनिंग इंपॉर्टेंट है ये देख लो जब पी जो है ओशन की वो रिड्यूस हो जाती है ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम पी जो है वो कम हो गई मतलब एसिडिक हो गया तो दैट इज कॉल्ड एज ओशन एसिडिफिकेशन आई थिंक इसमें ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट नहीं है हाँ ये देख सकते हैं आप ग्लोबल ओशन एसिडिफिकेशन ऑब्जर्विंग नेटवर्क तो ये कलाबरेटिव इंटरनेशनल नेटवर्क है बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है नेक्स्ट चलते हैं हम आर्कटिक रीजन में क्या है तो नॉर्थ पोल में स्प्रेड है ये पता है हमको देन अ लाइन ऑफ ल्लैटीट्यूड अबाउट सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर ये है सिग्निफिकेंस क्या है तो इकोनॉमिक एक्सपोर्टेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये सब मेन्स के लिए तो इग्नोर uh, करा जा सकता है एंड इट इज क्रैक्टराइज एज वर्ल्स क्लाइमेट चेंज बैरोमीटर मतलब अगर कुछ भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको मेजर करने के लिए हम कहते हैं कि आर्कटिक आइस को आप देख लो उसको ऑब्जर्व करो अगर वो uh, पिघल रही है आइस वो मेल्ट हो रही है तो एक तरह का क्लाइमेट चेंज को मेजर करने का बैरोमीटर है ये ठीक है नेक्स्ट इज इंडिया इन आर्कटिक तो इंडिया ने फर्स्ट आर्कटिक पॉलिसी अपनी अनवील करी थी एंड इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जर्वर मेम्बर इन आर्टिक काउंसिल एंड इंडिया का जो आर्टिक स्टेशन है हिमाद्री वो नॉर्वे में है ओके okay? नेक्स्ट चलते हैं अब आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या होता है कि आर्टिक इज हीटिंग अप फोर टाइम्स एज फास्टेज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाकी वर्ल्ड जो है वो जितनी स्पीड से वार्म हो रहा है उससे चार गुना ज़्यादा जो है स्पीड में आर्टिक वार्म अप हो रहा है तो उसको कहते हैं आर्टिक एम्प्लीफिकेशन हो गया ठीक है नेक्स्ट इज जोम्बी आइस क्या होती है या इसको डूम्ड आइस भी कहते हैं तो जॉम्बी आइस वो आइस होती है विच इज स्टिल अटैच टू द थिकर एरियाज ऑफ आइस विच इज़ नो लॉन्गर बींग फेड बाई दो लार्ज ग्लेशियर्स तो इसका क्या मतलब हुआ कि जोम्बी आइस क्या है एक ऐसी आइस है जो कि अब देखो आर्कटिक में कंटिन्यूसली जो है वो ग्लेशियर्स फीड करते हैं आइस को एंड वो आइस जो है वो ग्रो करती रहती है ठीक है स्नो पे ऐड होती जाती है और वो जो भी लार्जर आइस पार्ट्स है वो बनते जाते हैं बट यहाँ पे क्या हो रहा है लार्ज ग्लेशियर्स जो है उसको वो फीड नहीं कर पा रहे हैं एंड वो सिंपली मेल्ट कर जाएंगे फिर ठीक है ऐसा पोर्शन जो अभी भी थिकर आइस के साथ अटैच है बस बट दे आर नो लॉन्गर बींग फेड बाय द लार्ज ग्लेशियर्स एंड वो सिंपली मेल्ट होकर जो ग्लोबल सी लेवल है वो राइज कर देगी ठीक है बस ये था देन आर्टिक रिपोर्ट कार्ड कौन रिलीज़ करता है तो यू का नोवा है एक नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन तो ये रिलीज करता है आर्टिक रिपोर्ट कार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू ओके देन ये एक आ, सी का नाम है चुकस सी तो इसका लोकेशन देख ले सो so, यहाँ पे देख लीजिए आप जैसे रशिया और अलास्का जो यूएस का पार्ट है तो इन दोनों के बीच में आते हैं चुक्की जुक, सी चुक्सी सी जैसे भी आप बोलना चाहो एंड अलास्का के यहाँ आपको पता है कि ब्यूफॉर्ट सी है रशिया के ऊपर जो है यहाँ पे ईस्ट साइबेरियन सी है ओके एंड यहाँ पे एक वांगल आइलैंड भी है ओके नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल कन्वेंशन कॉन्फ्रेंसिस एंड इनिशिएटिव तो अभी रिसेंटली यू एन एफ ट्रीपल सी का सी ओ पी ट्वेंटी सेवन कॉन्क्लूड हुआ था इन इजिप्ट आर्ट शर्मल शेख एंड इनकी आउटकम्स क्या थी बिफोर दैट लेट्सी की ट्वेंटी सिक्स जो सी ओ पी ट्वेंटी सिक्स हुआ था ग्लासगो में उसमें क्या क्या आउटकम्स आई थी तो यहाँ पे ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट हुआ था विच वॉज द फर्स्ट एवर सी ओ पी डिसीजन जहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स को एक्सप्लिसिटली कहा था कि इसको टारगेट करेंगे इसको फेज डाउन एंड फेज आउट करने की बात करी थी ओके okay? देन जो अभी रिसेंटली हुआ था सी ओ पी ट्वेंटी सेवन वहाँ पर शर्मल शेख वर्क प्रोग्राम एक लाया गया था ऑन द ग्लोबल गोल गोल ऑफ एडाप्टशन तो अडाप्टेशन पर फोकस किया था देन दिस एंडेड विद द रिलीज ऑफ शर्मल शेख इम्प्लीमेंटेशन प्लान ओके इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स हुई नहीं थी तो ओके okay. सो so, हाँ इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ नहीं था बस एक दो चीज़ ही हुई थी तो वो देख लेते हैं इन्होंने कहा था कि एक फ्रेमवर्क इन्होंने डेवलप करा हुई जो ग्लोबल गोल ऑन अडाप्टेशन पे एंड इसका एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जो है वो करा जाएगा सी ओ पी ट्वेंटी एटीन में जो कि ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में होगा अंडर लास्को शर्मल शेख वर्क प्रोग्राम ठीक है देन एक क्रोनिविया जॉइंट वर्क फॉर एग्रीकल्चर है तो याद रखना है कि अगर कोरोनिविया पूछा उन्होंने कोरोनिविया क्या है कोरोनिविया जॉइंट वर्क किस चीज़ से रिलेटेड है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ओके okay? देन ये जो क्लाइमेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है तो इसके लिए भी काफ़ी कुछ करा जाए फर्स्ट ज्वाइंट प्रोग्राम ऑफ द टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर नेटवर्क ये सब सेटअप किया गया था फाइन नेक्स्ट इस ब्रेक थ्रू एजेंडा क्या होता है सो ब्रेक थ्रू एजेंडा जो है ये सी ओ पी ट्वेंटी सिक्स पर लॉन्च किया गया था इसमें इंडिया इज अ सिग्नेटरी इसमें सिंपली कहा गया था कि जो भी क्लीन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको हमने चीपर एंड क्लीनर बनाना है बस इतना ही याद रखना है ब्रेक थ्रू एजेंडा बी से याद रखना है बी के बाद सी आएगा किस चीज़ से रिलेटेड है क्लीन टेक्नोलॉजीज़ उनको चीपर एंड क्लीनर बनाना है ठीक है क्लीन टेक्नोलॉजी चीपर एंड क्लीनर एंड सी ओ पी ट्वेंटी सिक्स में लॉन्च हुआ था इंडिया इज अ सिग्नेटरी ओके एंड वही है डी कार्बनाइजेशन जो है उस पर फोकस करना है क्लीन टेक्नोलॉजी पर फोकस करना है दैट्स इट नेक्स्ट इज फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन सो so, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है कि डी कार्बोनाइज करना है सेक्टर्स को ठीक है क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करना है बट ये लॉन्च किसने किया था यूएस एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन्होंने भी सी ओ पी ट्वेंटी सिक्स में लॉन्च किया था ओके यूएस एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये याद रखना है देन नेक्स्ट इज मिशन पॉसिबल पार्टनरशिप तो ये किस कंटेक्स्ट में है याद रखना है कि मिशन पॉसिबल पार्टनरशिप अगर पूछा जाए क्लाइमेट से रिलेटेड है ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है सो इट इज एन अलायंस ऑफ लीडिंग क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेश्स मिशन पॉसिबल क्लाइमेट इतना याद रखना है नेक्स्ट इज जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप्स तो रिसेंटली इंडोनेशिया ने भी ये कुछ इसके लिए मोबिलाइज करे हैं ट्वेंटी बिलियन रुपीज़ सॉरी ट्वेंटी बिलियन डॉलर्स एंड ये फर्स्ट टाइम अनाउंस हुआ था ट्वेंटी ट्वेंटी वन में साउथ अफ्रीका एंड इंटरनेशनल पार्टनर्स ग्रुप है इन्होंने ये करा था अनाउंस ओके okay? क्या है ये जस्ट एनर्जी ट्रांजेशन पार्टनरशिप साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल पार्टनर्स ग्रुप इसमें यूके यूएस यूरोपियन यूनियन ये सब इन्वॉल्व हैं इंडोनेशिया भी इन्वॉल्व है ओके बट इंडिया इसको अपोज कर रहा है ठीक है ये भी याद आप इंडिया इसका पार्ट नहीं है ये इसको अपोज कर रहा है देन अब आते हैं यू एन एफ ट्रिपल सी क्या है तो ये भी इंपॉर्टेंट है फर्स्टली ये नाइनटीन नाइन्टी टू के जो रिवर्ड सबमिट हुआ था वहाँ पर ये आया था वहाँ पर इसकी बातचीत हुई थी एंड इथ केमिंग टू फोर से नाइनटीन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है तो वही है कि ग्रीन हाउस गैस को स्टेबलाइज uh, करना है फूड प्रोडक्शन जो है वो थर्टन ना हो इन चीज़ों की वजह से ये जेनरिक से पॉइंट है इंडिया इज अ मेंबर यूनिवर्सल मेंबरशिप है ऑलमोस्ट 198 नाइन्टी एट पार्टीज़ हैं एंड इसी के अंदर जो की agreements कि अग्रीमेंट्स हुए हैं क्योटो प्रोटोकॉल जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन से रिलेटेड है एंड पैरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट ये दो इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स आपको याद रखने हैं यू एन ट्रिपल सी के अंदर आते हैं फाइन दें इनका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म क्या है तो एक इनका सी होता है जो कि सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है हर साल मिलती है ये ठीक है हर साल इनकी मीटिंग होती है देन क्यूटो प्रोटोकॉल की अलग से सी होती है एंड जो पैरिस अग्रीमेंट की पार्टी है उनकी अलग से सी होती है तो ये तीन ऑपरेटिंग मैकेनिज्म हैं इनके फाइन देन इंडियाज़ लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एल टी लेट्स है ये इंडियाज़ लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटी तो वही है कि हमको लो अमिशन करने हैं ठीक है भाई कार्बन एमिशन कम करने की बात कर रहे हैं इसमें सो so, बस इतना ही याद रखो कि इंडिया का है ये फ़ाइन इंडिया ने प्रपोज करा है देन आफ्टर दैट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इनमें कुछ भी हाँ ये देख लो कि इस स्ट्रैटेजी पे क्या क्या चीज़ें हैं एलिमेंट्स क्या है जैसे कि कार्बन डेवलपमेंट हमको कम करना है तो उसके लिए हमारा एनडीसी टारगेट है कि फिफ्टी जो नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी हमारी होनी चाहिए बाय 2030 तो 50 परसेंट जो uh, हमारी ये एनर्जी जनरेटिंग कैपेसिटी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल्स से आनी चाहिए फ़ाइन देन ये हमारा एक टारगेट है ट्वेंटी परसेंट का इथ एन ऑड करना है पेट्रोल में बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ओके ट्वेंटी ये पहले टारगेट क्या था कि आपको टेन परसेंट अचीव करना है इथ एन ऑड ब्लैंड पेट्रोल बाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू बट सिंस ये पहले ही टारगेट अचीव कर दिया तो अब न्यू टारगेट क्या है ट्वेंटी परसेंट बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ओके देन इंडियन रेलवेज को नेट जीरो होना है बाई ट्वेंटी थर्टी देन ये एनडीसी टारगेट था अपना की एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ टू पॉइंट फाइव टू थ्री बिलियन बनाना है ऑफ कार्बन बाई ट्वेंटी थर्टी देन ये ट्वेंटी सिक्स मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड हमें रिस्टोर करना है बाई ट्वेंटी थर्टी ओके देन जो जो ट्वेंटी ग्लोबल आई सी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स थे वो भी थे अब याद रखने की ये ये भी आपको याद रखना है कि बायोडावर्सिटी से रिलेटेड आई सी टारगेट्स थे ओके okay? और ये अभी क्योंकि इनको रिवाइव रिवाइज करा गया था तो ये अब पुराने हो गए बट हाँ पूछ सकते हैं इंपॉर्टेंट है देन ये एक सी बी का रिपोर्ट था अभी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेबिलिटी रिपोर्ट ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था तो है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कि बिजनेस को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनर में करना है देन आर का एक सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप है दिस इज इंपॉर्टेंट जो ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट दैट इज बाई से बट ये जो सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप बनाया है ये आर ने बनाया है कि इसके लिए है कि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं रिलेटेड टू क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस उसको रेगुलेट करने के लिए फाइन देन एक लाइफ करके कैंपेन स्टार्ट किया था हमारे ने Uh, तो ये क्या है लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायमेंट ओके देन इसके अलावा एक और है इन आ लाइफ टाइम कैंपेन तो लाइफ कैंपेन इज डिफरेंट इन आर लाइफ टाइम कैंपेन इज डिफरेंट दिस इज़ बाई नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वयमेंट के अंडर आती है एंड यू एन डी पी फाइन तो ये याद रखना है इन आर लाइफ टाइम कैंपेन बाई मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायमेंट का जो नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एंड यू एन डी पी इसमें क्या है कि यूथ जो एटीन टू ट्वेंटी थ्री ईयर्स हैं उन यूथ को आपने मैसेज uh, बियरस बनाना है ऑफ सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स ओके देन फिफ्टी ईयर्स ऑफ स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस अभी कम्प्लीट हो चुके हैं स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस जो है वो नाइनटीन सेवेंटी टू में हुआ था इसका नाम yeah, क्या yeah. है क्या कहते हैं इसको यू एन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वॉलमेंट देन स्टॉक होम प्लस फिफ्टी का थीम क्या था अ हेल्दी प्लानट फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल आर रिस्पांसिबिलिटी आर अपॉर्चुनिटी जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे दे नाइनटीन सेवेंटी टू में ऑर्गेनाइज़ करा गया था वो देख लिया आपने ऑन ह्यूमन इन्वॉमेंट करके इसका नाम था उस टाइम पर इसकी थीम क्या थी ओनली वन अर्थ ठीक है तो नाइनटीन सेवेंटी टू के टाइम पर इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ देन वन ट्वेंटी टू कंट्रीज ने अडॉप्ट करा था ट्वेंटी सिक्स प्रिंसिपल्स एंड एक्शन प्लान वगैरह था ये सब था देन ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है तो कैन बी स्किप्ड अच्छा अब ये देख लो इंडियन पी एम जो थे इंदिरा गांधी शी वोल्सो ओनली फॉरन हेड ऑफ गवर्नमेंट आउट ऑफ वन हंड्रेड थर्टी नेशंस जिन्होंने ये अटेंड करी थी स्टॉकऑम कॉन्फ्रेंस ओके तो ये भी मैं भी पूछा जा सकता है देन ऑल्सो uh, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया था थीम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसके बाद से नाइनटीन नाइनटी टू का जो कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायॉर्मेंट एंड डेवलपमेंट हुआ था उसको रियो डिजेनेरियो में अर्थ समिट कहते हैं ये बाद में हुआ था उन्होंने डिफाइन करा था सस्टनेबल डेवलपमेंट दैन यहाँ पे कुछ के प्रिंसिपल्स एटाब्लिश करे थे दो प्रिंसिपल्स इस्टिश करे थे फर्स्ट इज प्रकॉशनरी प्रिंसिपल एंड देन पल्यूटर पे प्रिंसिपल तो पल्यूटर पे प्रिंसिपल पता होगा सबको कि जो पल्यूशन जिससे क्रिएट करा है वही उसकी कॉस्ट पेयर करेगा उसको मैनेज करने की एंड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या है तो ये वही है कि हमको प्रिकॉशन्स लेने हैं जो भी प्रिवेंशन प्रिवेंटिव मेजर्स हम लेते हैं तो उनको प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कहा हुआ है एंड वियना कन्वेंशन जो थी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर ये फर्स्ट मल्टीलैचुरल इन्वॉर्मेंट अग्रीमेंट था जिसने कोडिफाई करे थे प्रिकॉशनरी मेजर्स ओके नेक्स्ट इज ये अग्रीमेंट्स के नाम याद रखने हैं ये हमको पता है बट इसको एक बार क्विकली समराइज़ करेंगे ठीक है तो सबसे पुरानी है 1971 सेवेंटी वन का रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस तो 1971 का है 72 में वर्ल्ड कल्चरल एंड नेशनल नेचुरल हेरिटेज इनकी प्रोटेक्शन के लिए कन्वेंशन आती है 1973 में साइट्स आता है देन मारपोल आता है नाइनटीन सेवेंटी में ये फोर्थ में आया होगा मारपोल क्या है जो मराइन इन्वामेंट्स के लिए मराइन इकोसिस्टम जो है उसके प्रिवेंशन उसके प्रोटेक्शन के लिए तो प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स देन ये नेक्स्ट वाली इंपॉर्टेंट नहीं है देन नाइनटीन एटी फाइव में वियना कन्वेंशन आती है एंड एटी सेवन में मॉन्ट्रियल प्रोट, प्रोटोकॉल आता है तो ये दोनों ही प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के लिए है इसके बाद एक की गाली अग्रीमेंट भी आता है इन्हीं का एक सप्लीमेंट्री ये आता है की गाली अग्रीमेंट ओके टू थाउजेंड सिक्सटीन में जो कि नाइनटीन में फिर टू थाउजेंड नाइन्टीन में इनफोर्स आया था तो वियना कन्वेंशन मॉन्टो प्रोटोकॉल एंड किगालियावें जो है किन के रिलेटेड है उसोन लेअर के क्योटो प्रोटोकॉल एंड पैरिस वाले जो हैं वो आपको पता चल, पता चल गया होगा आप पैरिस वाला जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन से रिलेटेड था देन दिस नाइनटीन का बैसिल कन्वेंशन है तो बैसिल कन्वेंशन जो है ये किसके लिए है ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसपाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार वेस्ट एंड डिस्पोजल तो हेज़ॉर्डस वेस्ट की ट्रांसफाउंड्री मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए बैसल कन्वेंशन इसको आपने याद कैसे रखना है कि आप अपने ग्राउंड से मतलब अपनी कंट्री के जो ग्राउंड है बेस है वहाँ से गंद खोद खोद के हेजॉरस वेस्ट खोद खोद के आप दूसरे कंट्री में ट्रांसफर कर रहे हो ठीक है तो ये मतलब बेस से आप हेजॉरस वेस्ट खोद के ट्रांसफाउंड्रीज को मूवमेंट करवा रहे हो तो वैसे याद रख सकते हो देन सिमिलर सा एक और है रोटराम कन्वेंशन तो ये केमिकल्स के लिए हैजर्डस केमिकल्स मतलब पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है उसके लिए है तो ऑलमोस्ट टेन ईयर्स का गैप है इनमें वैसा याद रखना है बासिल वाला पहले आया था रोटेलम बाद में आया था देन ये तीन तो पता ही होंगे नाइनटीन नाइनटी टू का सी बी डी हुआ था नाइनटी टू में ही यू एन ट्रिपल यू एन एफ ट्रिपल सी आ गया था एंड यू एन सी सी डी जो है ये थोड़ा सा लेट फोर्थ में आया था नाइनटीन नाइनटी फोर में ओके okay? देन एक आर कन्वेंशन है दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट आर कन्वेंशन जो है ये एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन पब्लिक पार्टिसिपेशन एक्सेस टू जस्टिस इन इन्वॉर्यमेंटल मैटर्स इनके रिलेटेड है तो आर एस कन्वेंशन कैन बी आज एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एक्सेस टू पब्लिक पार्टिसिपेशन एक्सेस टू जस्टिस इन इन्वॉर्मेंटल में स्टॉक होम कन्वेंशन है पीओ पीज का परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पलिटनस का एंड मीना माता कन्वेंशन है मकरी से रिलेटेड ट्वेंटी थर्टीन का फाइन सो so, ये इम्पोर्टेंट कन्वेंशन थी इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट से ये हो गया नेक्स्ट एक मॉन्टर प्रोटोकॉल वही ओजोन वाला तो इसको हमने ऑलमोस्ट कर लिया है बट दोबारा देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अभी रिसेंटली इसको थर्टी फाइव ईयर्स कम्प्लीट हो गए थे एंड uh, इनका थीम क्या था ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ देन नाइनटीन एटी सेवन में आया था इंडिया एज अ पार्टी मेम्बरशिप क्या है ऑल वन नाइन्टी एट मेम्बर कंट्रीज़ जो हैं यू एन की इंक्लूडिंग इंडिया उन्होंने ये रेटिफाई कराई तो ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है ये फाइन और uh, इसमें क्या था वही ओजोन रिप्लीटिंग सबस्टांसेस जो हैं उनको नाइन्टी नाइन परसेंट तक कट डाउन किया है इसने ऐसा बोला गया देन किगाली गाली अग्रीमेंट जो है वो फिर आता है 2016 में इसी के बाद और 2019 में फोर्थ में आ जाता है देखो जो ये था ऊपर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था या वा प्रोटोकॉल थे उनमें क्या था कि आपको ओडीएस जो है ओजोन डिपलिंग डिपेटिंग सबरचांसेस मेनली क्लोरोफ्लोरोबन जो है उन पर फोकस किया था क्लोरोफ्लोरोबन पे एंड इनको कहा था कि इनको हटा दो इसकी जगह आप हाइड्रोफ्लोरोबंस ले आओ ठीक है बिकॉज ये ग्रीन हाउस गैसेस बिकॉज ये ओजोन डिपेटिंग सबरचांसेस नहीं है सी एफ सी जो होते हैं क्लोरोफ्लोरोबन वो जोन को डिप्लीट करते हैं जबकि एच एफ सी जो होते हैं हाइड्रोफ्लोरोबन जो होते हैं वो ओजोन को रिप्लीट नहीं करते हैं तो इन्होंने कहा कि सी एफ सीज को रिप्लेस कर दो बाई एच एफ सीज ठीक है बट बाद में एनालाइज करा गया कि जो एच एफ सीज हैं दो वो ओजोन जो तो नहीं करते लेकिन वो ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल उनका बहुत ज़्यादा है मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है फिर काली एग्रीमेंट में कहा गया कि अभी इसको भी रिड्यूस करने की ज़रूरत है तो इसमें टारगेट क्या है एटी परसेंट रोडक्शन ऑफ एच एफ सी कंजम्शन बाई ट्वेंटी फोर्टी सेवन ओके देन हाँ तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का इंडिया पार्टी कब बनता है नाइनटीन नाइनटी टू में ठीक है एटी सेवन में ये फोर्स में आया नाइनटीन एटी सेवन में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फोर्स में आता है एंड उसके पाँच साल बाद इंडिया उसका पार्टी बनता है एंड ऑल्सो वी हैव ऑल्सो अप्रूव द रेटिफिकेशन ऑफ किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एंड इसके अकॉर्डिंग इंडिया का क्या टारगेट है इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो है उनका डिफरेंट टारगेट है जैसे डेवलप्ड कंट्री का डिफरेंट टारगेट होगा डेवलपिंग का डिफरेंट होगा उस तरीके से तो इंडिया का टारगेट क्या है किसने फेस डाउन करना स्टार्ट करना है ट्वेंटी ट्वेंटी एट से ठीक है देखो फेस डाउन करना जो है टोटल वो कितना करना है हमने एच एमिशन कम करना है बाई फिफ्टीन परसेंट बाई ट्वेंटी फोर्टी सेवन ओके एंड ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स लेवल से कम करना है हमको फिफ्टीन परसेंट एच एफ सी ट्वेंटी फोर्टी सेवन तक एंड ये करना हमने स्टार्ट कब करना है ये फेस डाउन एच एफ सी को कब करना स्टार्ट करना है हमने ट्वेंटी ट्वेंटी एट से हमने स्टार्ट करना है ट्वेंटी फोर्टी सेवन तक हमने फिफ्टीन परसेंट रिडक्शन करनी है आई होप दिस इज क्लियर देन नेक्स्ट इज ये वही कि वन ऑफ द दिये जहां पे यूनिवर्सल रेटिफिकेशन मिला है वो ऑलरेडी हमने कर लिया एंड नाइन्टी परसेंट जो अर्थ का ओजोन है वो जोन लेयर में है और बाकी ट्रोपोस्फेयर में है टेन परसेंट देन ओजोन लेयर और ओडीएस क्या है ओजोन लेयर जो है मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड होती है कहाँ पे शार्टो में एंड थिनिंग ऑफ अ जोन लेयर हमको पता है कि एक ओजोन होल टाइप का बन गया था 1985 में मतलब थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर हुआ था अंटार्कटिक पे बट वो भी कवर अप हो चुका है ठीक है ओडीएस क्या होते हैं ये मैन मेड केमिकल्स होते हैं जहाँ के जिनका हाई ओजोन रिपेयरिंग पोटेंशियल होता है इसमें एग्जाम्पल्स क्या हैं सी एफ सीस हेलोन्स मिथाइल ब्रोमाइड ब्रोमो क्लोरोिथेन देखो क्लोरो जहाँ पे भी आएगा ना वो प्रॉब्लमेटिक है तो क्लोरोमिथेन ड्रोमोमिथेन ब्रोमाइड हेलॉन्स क्लोरोबन ये सब प्रॉब्लमेटिक है ओजोन के लिए फाइन एंड यूज़ कहाँ पर, है, 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 पर होता है ओजोन डिप्लीटिंग सबसे चांसेस रेफ्रिजरेटर्स एसीज जो हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं फोम्स होते हैं यहाँ पर यूज़ होता है देन इम्पैक्ट क्या होता है तो ये चीज़ें आई थिंक सारा नहीं पढ़ाऊंगी अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी कंप्लीट नहीं होगा टाइमली सो बट जल्दी जल्दी कर देती हूँ इम्पैक्ट ऑफ ओजोन लेयर क्या होता uh, है कैंसर के ज़्यादा कॉजेज चांसेस रहते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होती है इम्यून सिस्टम को वीकन करता है दैट्स इट देन ओजोन डिप्लीटिंग गैस इंडेक्स है एक तो ये कौन रिलीज करता है वही यूएस का नोआ रिलीज करता है फाइन इसके पहले हमने देखा कि आर्टिक रिपोर्ट कार्ड जो है वो भी यूएस का नोआ ही रिलीज करता है एंड ओजोन डिप्लीटिंग गैस इंडेक्स वो भी यूएस नोआ रिलीज करता है एंड ये भी याद रख सकते हैं कि ओजोन कॉन्सेंट्रेशन को डॉपसन यूनिट में मेजर करते हैं फाइन देन यू ओशन कॉन्फ्रेंस सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यू ओशन कॉन्फ्रेंस सो so, अभी फर्स्ट वाला पहले देखते हैं कि फर्स्ट वाला यू एन ओसी जो है ओशन कॉन्फ्रेंस 2017 में हुआ था यू एन हेड क्वार्टर्स में न्यूयॉर्क में उसको होस्ट किसने किया था फिजी एंड स्वीडन ने ओके okay? सेकंड वाला जो है वो अभी रिसेंटली हुआ है एंड उसको होस्ट करा है केने एंड पोर्टुगल ने लिस्बन में हुआ था ये लिस्बन डेक्लेशन से एंड हुआ है एंड इसका टाइटल क्या था आर ओशन आर फ्यूचर कॉल फॉर एक्शन राइट तो फर्स्ट कहाँ हुआ था न्यूयॉर्क में हुआ था फिजी एंड स्वीडन ने होस्ट किया था सेकेंड कहाँ हुआ है लिस्बन में हुआ है एंड के ने पोर्टुगल ने इसको होस्ट करा एंड लिस्बन कहाँ पे है पोर्टुगल में है ठीक है और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि लिस्बन डेक्लरेशन वॉज रिसेंटली न्यूज किसके कॉन्टेक्स में है तो ओशन कॉन्फ्रेंस के कंटेक्स में है ओशंस के कंटेक्स में है ठीक है दिस इज इंपॉर्टेंट लिस्बन ट्रिटी ओशंस सॉरी लिस्बन डेक्लेन ओशंस ओशन कॉन्फ्रेंस इससे रिलेटेड देन इसके की कमिटमेंट्स क्या थे तो यहाँ पे याद रख लेना कि ओशनस के रिलेटेड कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करनी है बाई 2040 ओके okay. अगर कहा गया कि लिस्बन डिक्लेरेशन में ये ये टारगेट थे तो उसमें ये एक टारगेट ऑप्शन में हो सकता है कार्बन न्यूट्रलिटी ओशंस में अचीव करनी है बाय 2040 कार्बन न्यूट्रलिटी क्या कि जितना ओशन से कार्बन एमिट हो रहा है उतना ही वो सेक्यूस्ट्रेशन भी हो रहा है उसका ठीक तो है तो उसे बैलेंस हो रहा है तो ट्वेंटी फोर्टी तक ये अचीव करना है देन हाँ ये देख लो सेकेंड जो यू ओशन कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके क्या क्या हाईलाइट्स हैं तो इंडिया वॉज अ पार्टिसिपेंट एंड इंडिया वॉज ऑल्सो कमिटेड टू कोश्ट क्लीन सीज कैंपेन ओके बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक की तरफ काम करेंगे ये भी कहा एस टी जी फोर्टीन जो है लाइफ बिलो वाटर से डील करता है देन हाँ ये इंपॉर्टेंट है ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी थर्टी को यू एन डिकेड ऑफ ओशन साइंस को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा गया फाइन एंड और याद रखना है कि जो ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू थर्टी एक तो यू एन डिकेड ऑफ ओशन साइंस हो गया एक इको सिस्टम रिस्टोरेशन का डिकेट भी है ये ठीक है इको सिस्टम रिस्टोरेशन का डिकेट भी है और जो इसके पिछले वाले वालिकेट कर जो इलेवन टू ट्वेंटी ये था बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड यू इंडिकेटर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कुछ ऐसा करके है ठीक है तो ये चीज़ें याद रखनी है दे नेक्स्ट इज एक और चीज़ याद रखनी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट कन्फ्यूजन हो सकती है बिकॉज मोस्ट ऑफ द ओशन रिपोर्ट जो है वो रिलीज करता है डब्लू एम ओ बट ये जो स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट है वो यूनेस्को रिलीज करेगा ये आपने याद रखना है नेक्स्ट इज इनोवेशन रोड मैप ऑफ मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज तो so, फर्स्टली आप देख लो कि मिशन इनोवेशन क्या है ये ग्लोबल इनिशिएटिव है इंडिया एज अ मेंबर मिशन इनोवेशन किसके लिए है आपने क्लीन एनर्जी में इनोवेशन करनी है इसको एफोर्डेबल बनाना है अट्रैक्टिव एंड एक्सेसिबल बनाना है तो मिशन इनोवेशन किस में इनोवेशन करनी है एनर्जी में क्लीन एनर्जी आपने लानी है एंड ऑब्वियसली वहाँ पर इंडिया एज मेंबर इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर एक्चुअली एंड इसका जो फर्स्ट फेज़ था वो लॉन्च हुआ था अलॉन्ग साइड पैरिस अग्रमेंट इतना सब तो याद रहेगा नहीं बट हम बस याद रखने कि किसके कंटेक्स में है एंड इंडिया एज मेंबर इतना याद रखना है तेन अभी इंडिया ने अनाउंस करा है लॉन्च ऑफ इनोवेशन रोड मैप ऑफ मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज ठीक है और ये जो है आई आर एम आई बी ये डेवलप किसने करा है मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज ने और इनपुट्स ले हैं फ्रॉम ब्राज़ील कैनेडा ये सब तो याद रखने की इंडिया का इनिशिएटिव है इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज करके कुछ आएगा तो इंडिया मार्क कर देना ओके देन ये मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज इंडिया एंड नीदरलैंड इसको को लीड कर रहे हैं ठीक है तो इंडिया भी है इसमें अगर ऐसा कुछ आ गया कि इसका इंडिया फाउंडिंग मेम्बर है या इंडिया लीड तो वो करेक्ट होगा फाइन एंड बाकी मेम्बर्स नहीं जो कि याद रखने की जरूरत नहीं है देन ये देख लो कि कौन कौन से सेक्टर्स में सेवन मिशन ऑफ मिशन इनोवेशन क्या है क्लीन एनर्जी जो है उसको एफोर्डेबल बनाना है ग्रीन पावर्ड फ्यूचर जीरो एमिशन शिपिंग मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज ये सब चीज़ें कही हुई है देन नेक्स्ट इज हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म ये भी एक देख लो हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म है किसका है ये फ्यूल सेल्स एंड हाइड्रोजन जॉइंट अंडरटेकिंग का अगर याद है तो ठीक है अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं हाइड्रोजन वाली प्लेटफॉर्म फ्यूल सेल्स एंड हाइड्रोजन जॉइंट अंडरटेकिंग इसमें करना क्या है हाइड्रोजन डिमांड एंड सप्लाई को ऑप्टिमाइज करना है बाय ऑन साइड जनरेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन नेक्स्ट मिशन लाइफ ये ऑलरेडी कर चुके हैं लाइफ स्टाइल फॉर इन्वॉमेंट एंड सी ओ पी ट्वेंटी सिक्स ने लॉन्च करा था इसमें टारगेट क्या है वन बिलियन इंडियन सिटीज इंडियन एंड ग्लोबल सिटीजन्स को हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ मूव करने के लिए एनकरेज करना है एटलीस्ट एटी परसेंट ऑफ विलेजेस एटी परसेंट ऑफ ऑल विलेजेस एंड अर्बन लोकल बॉडीज इनको इन्वा फ्रेंडली बनाना है बाई ट्वेंटी ये सब इसमें टारगेट्स हैं कैंपेन में देन इम्प्लीमेंट इसको कौन करेगा नीति आयोग फर्स्ट ईयर में इम्प्लीमेंट करेगा नीति आयोग एंड उसके बाद जो है एमआईएफ सी जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा नेक्स्ट ये कुछ न्यूज में अगर कुछ आपको क्वेश्चन आता है कि डाबोर्स एजेंडा किसके रिलेटेड है तो वो डब्लू से रिलेटेड होता है ठीक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोर्स एजेंडा नेक्स्ट इज़ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेकनीजम सो रिसेंटली इंडिया ने अपोज करा है कार्बन बॉर्डर टैक्स जो कि यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज करा था फाइन कार्बन टैक्स होता क्या है कार्बन बॉर्डर टैक्स तो यहाँ पे देख लीजिए आप तो दिस इज टैक्स ऑन कार्बन एमिशंस इम्पोज ऑन इम्पोर्टेड गुड्स इम्पोर्टेड गुड्स पे कार्बन एमिशन टैक्स लगता है और uh, उन कंट्रीज के गुड्स पे जो जहाँ पे लेस स्ट्रिक्ट क्लाइमेट पॉलिसीज होती है वहाँ से कोई भी गुड्स इम्पोर्ट कर रहे हो उनके एमिशन पे कार्बन टैक्स लगेगा तो उसको कहेंगे कार्बन बॉर्डर टैक्स इंडिया ने इंपोज करा है और EU ने ये इम्पोज करा था अपनी कंट्री में फाइन और देन इट इज़ अ पार्ट ऑफ फिट फॉर फिफ्टी फाइव इन ट्वेंटी थर्टी पैकेज तो ई यू का ये प्लान था फिट फॉर फिफ्टी फाइव इसमें क्या था कि ग्रीन हाउस गैस को ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करना है बाई एटलीस्ट लीस्ट फिफ्टी फाइव परसेंट बाई ट्वेंटी थर्टी ठीक है फिट फॉर फिफ्टी फाइव अगर पूछ लिया ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने से रिलेटेड है ई का है फाइन देन बाकी आप स्किप कर सकते हो कार्बन बॉडी टैक्स को कार्बन लीकेज इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं फाइन नेक्स्ट इज आई एस ए इंटरनेशनल सोलर एरालाइंस तो इसमें बस कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं आई एस ए किसने लॉन्च करा था तो इंडिया एंड फ्रांस ने मिलकर इसको लॉन्च करा था कहाँ किया था जो पैरिस अग्रीमेंट जब हुआ था उसी के साइलेंस पे किया था 2015 में ठीक है पैरिस अग्रीमेंट जो था उसी टाइम पे इन्होंने ये लॉन्च कर दिया था रिसेंटली क्या हुआ था कि आई ने अप्रूव करा है सोलर फैसिलिटी क्या है ये एक पेमेंट गारंटी मेकनिज़म है जो कि इन्वेस्टमेंट्स इन सोलर प्रोजेक्ट्स को सिमुलेट करेगा ओके okay? तो याद रखना है सोलर फैसिलिटी आई ने लॉन्च करा है किसके लिए पेमेंट गारंटी मैकेनिज्म टाइप है ये इन्वेस्टमेंट इन टू सोलर प्रोजेक्ट्स को फैसिलिटेट करना है अब आई का वही बताया हुआ है इसमें याद रखना है आप जो थाउजेंड uh, स्ट्रैटजी अगर आता है टुअर्ड्स थाउजेंड स्ट्रैटेजी क्या है वो किससे रिलेटेड है तो आई से रिलेटेड है इसमें क्या है थाउजेंड बिलियन की इन्वेस्टमेंट आपको करनी है एनर्जी सोल्यूशन सोलर एनर्जी सोल्यूशन की तरफ आए ट्वेंटी थर्टी थाउजेंड बिलियन पीपल को आपने मोबिलाइज़ करना है टूवर्ड्स क्लीन एनर्जी सोल्यूशंस एंड थाउजेंड डी का वॉटर सोलर एनर्जी कैपेसिटी आपने बिल्ड करनी है तो अगर पूछा जाता है कि टुवर्ड्स थाउजेंड स्ट्रैटजी जो है वो क्या है किसके रिलेटेड है तो आई एस ए से रिलेटेड है वो फाइन एंड uh, इसी में वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड जो है ये चीज़ बनाने की बात करी जा रही है आई एस ए और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के थ्रू फाइन नेक्स्ट इज इसी में एक सोलर पेमेंट गारंटी फ़ंड भी है और सोलर इंश्योरेंस फंड भी है सो so, ये सब चीज़ें हैं जो कि कॉमन सी हैं द नेक्स्ट इज एम ओ यू साइन हुआ है रिसेंटली आई एस एंड आई सी ए में और इसी के अंतर्गत जो है वो इंडिया का जो कोचिन कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो वर्ल्ड का फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट बन चुका है वर्ल्ड का फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट ओके और दैट्स इट नेक्स्ट इस आई सी ए क्या है ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया उसका मेम्बर है शिकागो कन्वेंशन से बना था तो याद रखना है सिविल एविएशन शिकागो कन्वेन्शन से सी सी याद रखना है सिविल एविएशन शिकागो कन्वेंशन एंड कहाँ है मॉन्ट्रियल में है फाइन खत्म नेक्स्ट इज ग्लोबल इनवाइट फैसिलिटी सो ग्लोबल इनवाइट फैसिलिटी जो है याद रखना है कि जो अर्थ समिट हुआ था समाइन में वहीं पर ग्लोबल फैसिलिटी और रिसेंटली इसकी सेवेंथ काउंसिल की कोई मीटिंग हुई थी वहां पर लीडर्स प्लेज फॉर नेचर करके कुछ ये एक चीज़ आई है इसमें क्या है स्पीशीज लॉस को रिवर्स करना है ठीक है अगर पूछते हैं कि लीडर्स प्लेज फॉर नेचर जो है वो किससे रिलेटेड है तो नेचर को प्रोटेक्ट करना है मतलब स्पीशीज लॉस को अपने रिवर्स करना है ऐसा याद रख लो देन नेक्स्ट इज ये सब ऐसे ही है वो कर सकते हैं सीधा आते हैं आप जी काउंसिल पे सो so, इससे भी पहले आप जी देखो क्या है ये नाइनटीन में टू में समिट में ये लॉन्च किया गया था एंड इट इज़ द ओनली मल्टीलेटरल फंड जो कि ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एनवोमेंटल हेल्थ पे वर्क कर रहा है ठीक है इंडिया में मेम्बर वन कंट्रीज हैं एंड इट एडमिनिस्टर्स या मैनेजेस स्पेशल क्लाइमेट फंड एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फ़ंड दो फंड को ये मैनेज करता है बाकी ये मॉन्टे प्रोटोकॉल देन शिप बलास्ट वाटर ट्रीटी जो है इस इसको भी सपोर्ट करता है देन यू एन लॉ ऑफ सी ट्रीटी जो है उसको भी सपोर्ट करता है मारपोल ट्रिटी को सपोर्ट करता है एंड uh, एक जो यू एन अग्रीमेंट है रिगार्डिंग स्ट्रेटलिंग फिश स्टॉक्स एंड माइग्रेटरी फिश स्टॉक इन सब पर भी ये सपोर्ट करता है ठीक है अब ये इंपॉर्टेंट है कि पांच इंटरनेशनल इन्वामेंट कन्वेंशन को फाइनेंसिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है सी बी डी सी सी डी एंड सी 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 ओके यूनिफ्ट ट्रिपल सी 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 डी एंड सी बी डी तीन तो वो हो गए एक स्टॉक स्टॉक होम कन्वेंशन है मीना माता कन्वेंशन तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है देन बाकी ये सब ऐसे ही है इसका जो काउंसिल है ये देख लो काउंसिल जो है इसमें थर्टी टू मेम्बर्स होते हैं इंडिया जो है प्रेजेंटली मेम्बर है इस कॉन्स्टिट्यूंसी का एंड इसमें जो भी डिसीजन वो से होंगे ट्वाइस मिलती है ये एनुअली देन ये दोनों जो फंड्स हैं स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड दोनों ही 2021 में बने थे ये जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड है इट इज करंटली द ओनली एक्जिस्टिंग फंड जो कि नेशनल अडाप्टेशन प्रोग्राम्स जो है उनको फाइनेंस करेगा ठीक है ख़त्म नेक्स्ट इज जे का एक स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम है ये इंपॉर्टेंट है जे का स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम है तो इसको जॉइंटली इम्प्लीमेंट करेगा एम ओ एफ सी सी तेरी एन ई एनडीपी तो यहाँ सिंपली क्वेश्चन बन सकता है कि स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम जो है वो किसका है तो जेईएफ का है कौन इसको इंप्लीमेंट करता है यू एन डी पी इट एम ओ एफ सी सी दैट सेट फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट देता है लोकल सिविल सोसाइटी को ताकि इनोवेटिव लोकल एक्शंस आप प्रमोट करें गोमेटल इशू से डील करने के लिए सो नेक्स्ट इज अदर इनिशियेटिव इन न्यूज़ फर्स्ट आता है मेजर इकोनॉमीज फरम ऑन क्लाइमेट चेंज यहाँ पर मेजर इकोनॉमीज हैं बट स्टिल इंडिया इज अम्बर यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है कि मे बी सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज हो बट ऐसा नहीं है इंडिया में मेम्बर एंड द यू एस प्रेजिडेंट ने यह लॉन्च करा था दैट्स इट देन देन ये देख लो कि जो ग्लोबल मिथेन प्लेज एनर्जी पाथवे है ये भी इसी ने लॉन्च करा है न्यू इनिशिएटिव जो इन्होंने लॉन्च करा है ग्रीन शिपिंग चैलेंज जो है ये भी इसी का है एंड कलेक्टिव ट्वेंटी थर्टी जीरो मिशन व्हीकल गल ये भी इसी का है तो कुछ अगर ऐसा आता है कि ग्रीन शिपिंग चैलेंज जो है ये जैसे डब्ल्यू एम ने लॉन्च करा है या यू ने लॉन्च करा है तो दैट विल बी रॉन्ग ओके okay? तो ग्रीन शिपिंग चैलेंज जो है ये यू एस वगैरह इन कंट्रीज में जो मेजर इकोनॉमी फरम ऑन क्लाइमेट एंड एनर्जी इन्होंने लॉन्च करा है नेक्स्ट इज वर्ल्ड ग्रीन एनर्जी ग्रीन इकॉनॉमी समिट ग्रीन इकॉनमी ग्रीन यू ने लीड करा है ठीक है देन क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियर जो है वो इंडिया होस्ट कर रहा है बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ग्लोबल फरम है ट्वेंटी नाइन कंट्रीज़ का इंडिया इज करंटली होस्टिंग इट क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल नेक्स्ट इज़ ये जो है ग्लोबल एनर्जी क्लीन एनर्जी एक्शन फॉरम ये इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कोई इंटरनेशनल बॉडी इवाल्व्व नहीं है नेक्स्ट करते हैं साइंस बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव ये इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज इन्वॉल्व हैं सो साइंस बेस्ड टारगेट्स इनिशियटिव याद रखने की पहले तो ये कुछ साइंस का नहीं है मतलब साइंस एंड टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है ये क्लाइमेट से रिलेटेड है ठीक है क्लाइमेट से रिलेटेड है साइंस बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव किसका है यू एन ग्लोबल कंपैक्ट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड डब्ल्यू आर आई वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तो तीन बॉडीज का है एंड इसमें क्या है कि क्लाइमेट एक्शन प्राइवेट सेक्टर में जो हो रहा है उसको ड्राइव uh, करना है ताकि वो साइंस बेस्ड एमिशन रिडक्शन टारगेट्स अपने सेट कर पाए ओके देन ऑल्सो ये जो साइंस बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव है इट इज़ अ लीड पार्टनर ऑफ बिजनेस एम्बिशन फॉर वन पॉइंट फाइव डिग्री कैंपेन फाइव डिग्री सेल्सियस कैंपेन तो ये क्या है बिजनेस एम्बिशन फॉर वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस कैंपेन इट इज अ ग्लोबल कॉलिनेशन ऑफ़ यू एन एजेंसीज बिजनेस एंड इंडस्ट्री लीडर्स जो कि सारी कंपनीज़ को मोबिलाइज करता है कि नेट जीरो साइंस बेस्ड टारगेट्स ऑफ अपने अचीव करो ठीक है नेक्स्ट इज जीरो एमिशन व्हीकल ट्रांजिशन काउंसिल तो अगर जीरो एमिशन व्हीकल ट्रांजिशन काउंसिल की बात कर रहे हैं तो इंडिया एज अम्बर बस इतना ही याद रखना है ग्लोबल फोरम है देन नेक्स्ट इज लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट तो इसमें एन आई यू ए है दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट अभी ऊपर भी हमने देखा कहाँ था वो साइंस बेस्ड टाइगर्स इनिशिएटिव में था ये ठीक है एंड लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट उसमें अर्बन अफेयर्स का नेशनल इंस्टीट्यूट है और डब्ल्यू आर आई है फाइन देन ग्रीन इवेंट्स टूल ग्रीन इवेंट्स टूल ये क्या है ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि ट्वेंटी सिक्स सी ओ पी जो था वहीं पर लॉन्च करा था ग्लासगो स्कॉटलैंड में किसने करा था यू एन एफ ट्रिपल सी सेक्रट्रेट दैन यू एन ई पी एंड गल्फ ऑर्गेनाइजेशन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की उन्होंने ये ना भी याद है तो चल जाएगा बट ग्रीन इवेंट्स टूल यू एन एफ ट्रिपल सी एंड यू एन ई पी ये तो याद होना ही चाहिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये टू फेसिलिटेट इको फ्रेंडली इवेंट्स ओके एंड इसमें क्या है ऐसे एक्शन को हमने प्रमोट करना है जिससे जो भी कुछ खराब इवेंट्स अगर होते हैं उनका नेगेटिव इम्पैक्ट कम कर सकें हम प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस पे देन नेक्स्ट इज ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम तो ग्लोबली हम क्लाइमेट ऑब्जर्व करने का काम कौन करता है डब्ल्यू एम ओ करता है तो इसी का है ये यही रिलीज करता है एंड डब्ल्यू एम ओ के साथ साथ आई पी नॉट आई पी इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ओशनोग्राफी कमीशन भी है यूनेस्को का यू एन ई पी भी है ये सब भी अगर आएंगे तो ऑप्शन में मार्क कर देना है ठीक है देन ग्लोबल अलायंस फॉर इंडस्ट्री डिकॉबनाइजेशन क्या देखते हैं इंडस्ट्री डिकॉबनाइजेशन वाला जो है उसमें अरिना है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी एक और इनिशिएटिव जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ट्रांसपोर्ट डिकॉबोनाइजेशन के लिए था वो आई थिंक ओ का था ये आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा ओ का था एंड इसमें नीति आयोग भी इंडिया की तरफ से पार्टनर था ठीक है ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को जो डिकॉबनाइज करने की बात चल रही थी या फिर सिंपली इंडस्ट्री को डिकॉबोनाइज़ करने के लिए अलायंस बनाया है तो इसमें एरीना जो है ये इन्वॉल्व है बाकी टाटा स्टील जिंदल वर्कस ये सब इन्वॉल्व हैं एंड ये बाली डिक्लेरेशन के अंडर बना था ओके इंडस्ट्री डिकाबोनाइजेशन बाली डिक्लेरेशन एरिना नेक्स्ट इज़ क्लाइमेट मिटिगेशन एंड अडाप्टेसन तो इंडिया ने एन डी जो अपने अपडेट करे हैं उसके बारे में ये अच्छा इसमें आप ये चीज़ देख लो पहले ये चीज़ें तो नॉर्मली पड़ी हैं ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट जो हुआ था ये सारा पड़ा हुआ है ये देखो कि हर पाँच साल में हमने अपनी जो एन होते हैं वो सबमिट करवाने होते हैं रिवाइज़ करने होते हैं यूनिफ्टसी सेक्ट्रेट में एंड जो पैरिस अग्रीमेंट में एक रैशिंग मेकनिज़म था सिंपली पूछ सकते हैं कि ये रैशिंग मैकेनिज्म जो है वो किससे एसोसिएटेड है क्या होता है ये इसमें क्या होता है आप हर एक कंट्री को अपने प्लेजेस को रिवाइज करना पड़ता है ज़्यादा एम्बिशस प्लेजेस देनी पड़ती हैं एवरी फाइव ईयर्स ये पैरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड है फाइन देन इंडिया के जो एन डी सी से फर्स्ट टाइम हमने सबमिट करे थे टू थाउजेंड फिफ्टीन में जब पैरिस एग्रीमेंट हुआ था देन अपडेट करे हमने एन डी सीज ग्लास्गो वाले में और जो ग्लासगो वाले में हमने अपने अपडेट करे थे उसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है कि दो ऐसे हमारे पंचअमृत थे पंचअमृत वही जो हमारे पाँच कमिटमेंट से ग्लास को अग्रीमेंट के टाइम पे ग्लास को जो आ, हुआ था अपना कॉन्फ्रेंस तो उसमें दो ऐसे टारगेट्स थे जो कि हमने ऑफिशियल टारगेट्स नहीं बनाए थे वो कौन से थे जो 500 हंड्रेड का टारगेट है कि हमको नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी 500 हंड्रेड गीगावाट जनरेट करनी है वो ऑफिशियल टारगेट नहीं है एंड जो वन बिलियन कार्बन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने की बात करी थी तो वो भी ऑफिशियल टारगेट नहीं है ठीक है अब ये जो अपने पंच पंच अमृत हैं ये क्या क्या हैं फर्स्ट नेट जीरो होना है बाई ट्वेंटी सेवेंटी ग्लोबली टारगेट है कि ट्वेंटी फिफ्टी तक नेट जीरो होना है बट इंडिया का टारगेट है ट्वेंटी सेवेंटी तक होना है देन फाइव हंड्रेड कीकाबोट एनर्जी जो है नॉन फॉसिल एनर्जी से आनी चाहिए फिफ्टी परसेंट जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है energy requirements वो रिन्यूबल एनर्जी से आनी चाहिए देन दैन रिड्यूस करना है हमने कार्बन एमिशन पर वन बिलियन टनस ट्वेंटी थर्टी तक एंड कार्बन इंटेंसिटी जो है एमिशन इंटेंसिटी जो है उसको कम करना है बाई फोर्टी फाइव परसेंट ठीक है नेक्स्ट इज कि पहले टारगेट क्या थे अभी क्या अपडेट किया पहले क्या था जो एमिशन इंटेंसिटी कम करनी थी अभी जो हमने कहा फोर्टी फाइव परसेंट कम करनी है पहले ये थर्टी थ्री टू थर्टी फाइव परसेंट कम करने के लिए कहा था बट इयर सेम था ठीक है अब जो हमने कहा कि फिफ्टी परसेंट हमको जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से एनर्जी चाहिए तो या रिन्यूबल एनर्जी चाहिए तो यहाँ पे क्या था फोर्टी परसेंट था पहले ठीक है रिन्यूएबल एनर्जी वाला एंड दैट इट बाकी ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है नेक्स्ट चलते हैं अडाप्टन गैप रिपोर्ट तो याद रखना है ये कौन रिलीज करता है यू एन ई पी करता है ठीक है यू एन ई पी का है अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट एंड जो रिसेंटली रिपोर्ट थी रिलीज हुई तो इसका टाइटल क्या था या थीम क्या था टू लिटल टू स्लो क्लाइमेट अडाप्टन फेलर पुट्स वर्ल्ड एट रिस्क कि बहुत ही कम एफर्ड कर रहे हो एंड बहुत ही स्लोली एफोर्ड कर रहे हो ठीक है देन ये एक ग्लोबल कमीशन ऑन एडाप्टेशन बना था तो ये किसका था नीदरलैंड्स एंड इंडिया भी था इसमें तो नीदरलैंड्स एंड बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व थी इसमें इंडिया भी था तो ग्लोबल एमिशन ऑन ट्रांस अडाप्टेशन अगर कहते हैं किसने बनाई थी तो नीदरलैंड्स एंड कुछ कंट्रीज ने मिलकर बनाई थी यूएन ने नहीं बनाई थी यादव ने ऐसा नहीं सोचना कि अडाप्टेशन रिपोर्ट को रिलीज करता है तो कमीशन भी उसने बनाया था वो गलत हो जाएगा ओके okay? यू के बारे में कुछ कर लेते हैं सॉरी तो यू जो है वो नाइनटीन में बना था जो स्टॉक कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट उसी में ये बनी थी इंडिया एज अम्बर वन नाइनटी थ्री कंट्रीज मेंबर्स हैं एंड ये वर्नट्री कॉन्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करते हैं फॉर नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ इट्स इनकम ओके देन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो ये रिलीज़ करता है एक तो ग्लोबल इन्वामेंट आउटलुक है ये तो इन्वामेंट आउटलुक एनी वनी पी समझ में आ जाएगा अडाप्टशन गैप रिपोर्ट भी ये रिलीज़ करता है ट्रिपल इमरजेंसी जो है ये भी ये रिलीज़ करता है ट्रिपल इमरजेंसी में आई थिंक वो था कि पल्यूशन भी हो रहा है देन क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है और ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी हो रहे हैं ठीक है तो ये ट्रिपल इमरजेंसी हो रही है देन कूलिंग अमिशंस एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट हमने अभी देखा था सिंथेसिस रिपोर्ट जो था वो किसका था आई का था बट कूलिंग अमिशंस एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट जो है वो यूएनईपी का है याद रखना है ओके okay? अच्छा अब इन्होंने कहा कि कौन कौन से अग्रीमेंट्स हैं जो कि यू एन ईपी करता है तो एक बॉन्ड कन्वेंशन है 1979 की किसके रिलेटेड है ये माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स उनके कंजर्वेशन के लिए है ये फाइन बॉन्ड कन्वेंशन अगर पूछेंगे दो चीज़ें हैं अगर बॉन्ड कन्वेंशन पूछेंगे वो माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स उनके कंजर्वेशन के लिए है अगर बॉन्ड चैलेंज पूछेंगे तो याद रख लैंड डिग्रेडेशन के रिलेटेड था कि हमको डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर तो बॉन्ड चैलेंज में जैसे लैंड और रिस्टोरेशन के लिए था तो उसका टारगेट क्या है कि डेढ़ सौ मिलियन आपको फॉरेस्ट डिग्रेडेड जो डिग्रेडेड लैंड है उसको कन्जर्व करना है या रिस्टोर करना है बाई ट्वेंटी ट्वेंटी एंड थ्री फिफ्टी मिलियन डेढ़ी तक तीन सौ पचास मिलियन ट्वेंटी थर्टी तक इंडिया का क्या टारगेट है ट्वेंटी हेक्टेयर लैंड रिस्टोर करना है बाई ट्वेंटी थर्टी फाइट देन और कौन कौन सी अग्रीमेंट्स है जिनको यूएनपी एडमिनिस्टर करता है बासिल कन्वेंशन है रोटेडम कन्वेंशन है मीना माटा है देन स्टॉक होम जो पीओपीज वाला है सीबीडी वियना कन्वेंशन और जोन लेयर वाला एंड साइड इन सबको यूएनई पी जो है वो एडमिनिस्टर करता है नेक्स्ट इज़ ये जो एमिशन गैप रिपोर्ट है ये भी यू एन पे रिलीज़ करता है इसके अकॉर्डिंग इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट जी एच एमिशन फर्स्ट है चाइना सेकेंड है यू ओके okay? और थर्ड नंबर पर है इंडिया एमिशन गैप क्या होता है कि कंट्रीज़ एक्चुअल में कितना ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस कर रहे हैं और करना कितना चाहिए ताकि हम ग्लोबल जो टेम्परेचर है उसको टू पॉइंट टू डिग्री सेल्सियस या वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस तक ला सकें तो उसके लिए कितना करना चाहिए एंड एक्चुअल में कितना कर रही है कंट्रीज उसके बीच का जो गैप है दैट इज एमिशन कैप फाइन नेक्स्ट इज कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज सो नीति आयोग ने अभी रिसेंटली ये लॉन्च करी थी अपनी पॉलिसी सी सी यू एस पॉलिसी फ्रेमवर्क सो ये भी चीज़ें देख लो कि नेशनल एक्सीलेंस नेशनल सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस जो है सी सी यू एस के लिए नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जो इस्टेब्लिश करे गए थे आई आई टी बॉम्बे एंड बेंगलुरु में फाइन तो ये आप कैसे याद रख सकते हो कि सी 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 मतलब सी से है स्टार्ट हो रहा है तो सी से पहले बी आता है तो बी से बॉम्बे एंड बेंगलुरु वैसा कुछ याद कर लो देन ये होता क्या ये तो नाम से ही समझ में आ रहे हैं ये कार्बन कैप्चर की एक टेक्निक है ठीक है कार्बन को कैप्चर करो उसको रिसाइकिल करके यूटिलाइज़ करो एंड स्टोर करो ऐसा है और इसी में एक चीज़ देख लो कि अच्छा इसमें क्या होता है कुछ टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड को फ़्लू गैस से रिमूव करना होता है पहले फ़्लू गैस है उसमें से सी ओ टू रिमूव कर दिया एंड एटमोसफियर से भी एटमोसफियर से भी रिमूव कर दिया देन उसको रिसाइकिल करा यूटिलाइज करने के लिए एंड देन परमानेंट स्टोरेज उसको करा फ्लू गैसेज़ क्या होते हैं ये तब प्रोड्यूस होते हैं जब कोल ऑयल नेचुरल गैस वुड वगैरह जो है उनको इंडस्ट्रियल फर्नेस वगैरह में कम्बश कम्बशन किया जाता है उनका ठीक है तो तब फ्लू गैस निकलती है कोल ऑयल नेचुरल गैस ये सब कुछ जब बर्न करते हैं देन नेक्स्ट क्या है कि जो कैप्चर्ड गैस होती है आपने देखा ना कि जैसे कार्बन कैप्चर जो कैप्चर कर लिया फिर उसको उसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो फायर एक्सटिंग्विशर्स में फार्मा में फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज में एग्रीकल्चर सेक्टर में फाइन अब डिफरेंट कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज होती हैं डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए जैसे केमिकल सॉल्वेंट जो है अगर आप यूज़ करते हो एज ए सी सी यू एस टेक्नोलॉजी केमिकल सॉल्वेंट यूज़ करोगे वो ऐसी कंडीशन में यूज करते हैं जहाँ पे ऐसी गैस स्ट्रीम से आप डील कर रहे हो जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट जो है वो कम है एंड लो प्रेशर है मतलब लो कार्बन कंटेंट है कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट है एंड लो प्रेशर है वहाँ पे आप केमिकल सॉल्वेंट यूज़ करते हो ठीक है लो वाले में आप केमिकल सॉल्वेंट यूज़ करते हो जब हाई हो कॉन्सन्ट्रेशन हाई प्रेशर है तब आप फिजिकल सॉल्वेंट यूज़ करते हो हाई के केस में एड्जॉर्प्शन यूज़, तो यूज़ करते हो जब मॉडरेट प्रेशर एंड मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये हो कार्बन डाइऑक्साइड हो तो एडजॉर्प्शन यूज़ करते हो जब मॉडरेट रहता है एंड क्रायोजेनिक सेपरेशन ऑफ यूज़ करते हो जहाँ पे कॉस्ट ऑफ पावर कम है ठीक है सो so, ये कुछ चीजें हैं नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म कार्बन ट्रेडिंग मार्केट इसमें बस ये देख लो कि कार्बन ट्रेडिंग होती क्या है या इसी में कैप एंड ट्रेड का भी एक रहता है जैसे कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट Uh, अपना मान लो जैसे क्वेटो प्रोटोकॉल है उसमें अपना टारगेट है कुछ कि इतना ही एक कंट्री जो है वो कार्बन एमिट कर सकती है अब मान लो एक कंट्री जो है उसका टारगेट ज़्यादा था बट उसने एमिट कम ही किया एंड एक कंट्री इसका टारगेट इतना था बट उसने इतना एमिट कर दिया ठीक है फिर ये जो गैप है इसको ये कवर अप करने के लिए इस कंट्री से कार्बन एमिशन कार्बन रिडक्शन यूनिट्स जो है वो परचेज कर लेगी एंड इसको क्या फ़ायदा हुआ कि इसको पैसे मिल गए बदले में कार्बन एमिशन रिडक्शन यूनिट्स जो है वो इसने इसको सेल कर दिए एंड बदले में इनको गुड अमाउंट मिल गया एंड इसके भी जो है वो टारगेट्स जो है वो फुलफिल हो गए ठीक है तो ये होता है कैप एंड ट्रेड मतलब आप अपने एमिशन कम करो और जो आपका एक्स्ट्रा बच गया जो आपका एक्स्ट्रा ये जो चीज़ बच गई इसको आप ट्रेड कर दो और बदले में आपको अमाउंट मिल जाएगा और इस कंट्री का जो है वो टारगेट फुलफिल हो जाएगा तो ये सिंपली वर्क करता है कार्बन ट्रेडिंग या कार्बन एमिशन ट्रेडिंग बाकी ये सब ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको समझा दिया ठीक है एमिटर ए है एमिटर बी है इसने कम किया एमिट मतलब इसने ज़्यादा कर दिया एमिट इसने कम किया तो ये सेल कर देगा ये परचेज़ कर लेगा दैट्स इट क्या देखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल में एक कार्बन ट्रेडिंग जो स्टार्ट हुई थी उसमें तीन मार्केट मेकनिजम्स होते हैं एमिशियन ट्रेडिंग होती है जैसे अभी हमने पढ़ा जो टैप एंड ट्रेड करके एक क्लिन डेवलपमेंट मैकेजम होता है एक ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन होती है जॉइंट इंप्लीमेंटेशन क्या होती है एक डेवलप्ड कंट्री है वो दूसरी डेवलप्ड कंट्री में एक ग्रीन प्रोजेक्ट लॉन्च कर देगी ठीक है मतलब उसने कार्बन एमिशन ज़्यादा कर दिए अब उसको कंपनसेट करने के लिए उसने किसी और कंट्री में ग्रीन प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया लेकिन ये डेवलप्ड कंट्री जो है वो डेवलप्ड कंट्री के ही अंदर लगाती है ऐसा लेकिन जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है वहाँ पे क्या होता है डेवलप्ड कंट्री जो होती है वो डेवलपिंग कंट्री

टारगेट आपका कम था आपने टारगेट आपका ज़्यादा था आपने कम एमिट कर दिया तो जो एक्सेस वाला है वो आप ट्रेड कर दो ठीक है तो वही है कि अच्छा परफॉर्म करो ट्रेड कर दो और अचीव कर लो ठीक है तो ये पैट स्कीम है सेम तरीके से वर्क करती है जैसे इंटरनेशनल लेवल पे प्रोटोकॉल के अंदर एमिशन ट्रेडिंग होती है वर्क एंड ये रीनबल एनर्जी सर्टिफिकेट है कोई भी कंट्री कोई भी अगर एंटिटी है वो रीनीबल एनर्जी बना रही है जनरेट कर रही है तो उसको एनर्जी सर्टिफिकेट से वो मिल सकते हैं देन इनको इशू कौन करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है ठीक है एंड इनको ट्रेड कहाँ पे किया जा सकता है तो पी एक्स आई एल पावर एक्सचेंज नया लिमिटेड एंड इंडिया एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पे करा, कर सकते हैं इनको ट्रेड यहाँ पे भी सेम चीज़ है एंड ये सी ई आर सी अप्रूव होते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने अप्रूव करा होता है इनको द नेक्स्ट इज ये चीज पल्ली जो है एक जम्मू में एक विलेज है तो ये इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है ठीक है तो कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होती है वो ऑलरेडी बता चुकी हूँ बैलेंस होता है जो एमिटिंग कार्बन और एब्जॉर्बिंग कार्बन में दैट इज कॉल्ड एज कार्बन न्यूट्रलिटी और पल्ली जो है वो फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स क्या होते हैं सो टोटल वर्ल्ड में नाइन टिपिंग पॉइंट्स हैं क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर अगर थोड़ा सा भी चेंज आ गया है क्लाइमेट चेंज की वजह से थोड़ा सा भी चेंज आ गया है, तो उसकी वजह से इरिवर्सिबल डैमेज कॉज हो जाएगा ठीक है टोटल वर्ल्ड में नाइन टिपिंग पॉइंट्स हैं जैसे आप नॉर्थ में अगर देखेंगे तो आर्टिक सी आइस है ग्रीन लैंड आइस शीट है बोरियल फॉरेस्ट है पर्मा है देन अटलांटिक सर्कुलेशन है एमेजॉन एंड फॉरेस्ट है कोरल रीफ है वेस्ट अंटार्कटिक एंड ईस्ट अंटार्कटिका जो बिल्किस विल्किस बेसिन है वो है तो ये नाइन टिपिंग पॉइंट्स हो गए ग्रीन वॉशिंग क्या होती है आर बी आई ने रिसेंटली ये कुछ ग्रीन वॉशिंग के लिए करा था बट ये काम का नहीं है टर्म जो है ये दी थी इन्वॉर्मेंटलिस्ट जे वेस्टर वर्ल्ड है इसका क्या मतलब होता है ग्रीन वॉशिंग का कि आप मिसलीड करते हो जनरल पब्लिक को आप ऐसा दिखाते हो कि आपका ये प्रोडक्ट जो है वो इन्वायमेंट फ्रेंडली है जबकि वो होता नहीं है ठीक है तो बस इतना ही है वो कैसे कर सकते हो आप कि मतलब आप दिखा रहे हो कि आपका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा इन्वायमेंट फ्रेंडली है बट वो एक्चुअल में होता नहीं है कि जैसे आपने कुछ ऐसी चीज़ इ चीज़ आपने ऐसे ऑलरेडी कोई चीज़ इलिगल है उसको तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते बट वो आप पैकेट पे बड़ा बड़ा लिख के बता रहे हो कि भाई हमने ये चीज़ यूज़ नहीं किया है जबकि वो आपको यूज़ करना अलाउड ही नहीं है तो वो मतलब एक इरेवेंट चीज़ है ऐसे आप दिखाने के लिए कर रहे हो कि इन्वायमेंट फ्रेंडली है तो ये ग्रीन वॉशिंग टेक्निक हो गई और और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं है ये आप खुद पढ़ सकते हो नेक्स्ट इज कीलिंग कर्व क्या होती है तो कीलिंग कर्व एक ऐसी कर्व होती है जो कि बताती है कि एटमोस्फेयर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो गया है बस इतना याद रखना है कीलिंग कर्व ये चीज़ है और ये देख लो जो मोर्नालॉक वॉलकैनो है ये करंटली वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वॉलैनो है देन सम रिपोर्ट्स एंड एलाइसिस फर्स्ट इज स्टेट ऑफ क्लाइमेट ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट तो ग्लोबल क्लाइमेट की बात करनी है डब्ल्यू एम ओ करेगा खत्म डब्लू एम ओ जो है एक कब बना था नाइनटीन फिफ्टी में ये बना था ठीक है और इम्पोर्टेंट uh, चीज़ क्या है भाई इंडिया मेंबर है और ये सुप्रीम बॉडी है इसका ये भी काम का नहीं है बस 1950 में ये बना था इंडिया मेंबर है और ये चीज़ याद रखनी है यूएन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है दैट्स इट जीनीवा में इसके हेड क्वार्टर्स नेक्स्ट इज ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम तो ओशन को भी ऑब्जर्व करने का काम देखो बस एक जो स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट थी ना स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट वो यूनेस्को रिलीज करती है जो हमने पहले देख लिया ठीक है बाकी जो ओशन ऑब्जर्विंग ओशन से रिलेटेड जो भी अभी रिपोर्ट्स आएंगी वो डब्लू एम ओ करेगा फाइन नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन ये भी डब्ल्यू एम ओ रिलीज करता है फाइन नेक्स्ट इज क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर देखो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मतलब कुछ डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट इन सब की बात आएगी तो वर्ल्ड बैंक होगा सिमिलरली क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट या पे भी डेवलपमेंट आ गया तो वर्ल्ड बैंक हो गया ठीक है देन एन डी सी सिंथेसिस रिपोर्ट ये यू एन एफ ट्रिपल सी निकालता है हमने सिंथेसिस रिपोर्ट सिंपल पढ़ी थी वो आई पी सी सी का था ठीक है फिर हमने एक कूलिंग एक्शन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट पढ़ा था वो था यू एन ई पी का अभी हम एन डी सी सिंथिस रिपोर्ट पढ़ रहे हैं वो यून एफ ट्रिपल सी का वैसे भी एन डी सी जो है वो यू एन एफ ट्रिपल सी से रिलेटेड है तो वैसे भी समझ में आ जाएगा नेक्स्ट इन्वेस्टिंग इन कार्बन यूटोपिया और द न्यू ग्रीन वेव ये इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिंग इन कार्बन कि ये एक यूटोपिया है या न्यू ग्रीन वेव है तो ये फाओ एंड ई बर डी यूरोपियन बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट इन्होंने रिलीज़ करा ये इंपॉर्टेंट है ठीक है कार्बन न्यूट्रलिटी यूटोपिया है या ग्रीन वेव है तो ये एफ एंड ई बी आर डी का है देन स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन ये क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर ये रिलीज़ करता है फाइन क्लाइमेट एक्शन वाला होगा तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर अगर सिंपली क्लाइमेट ऑब्जर्विंग या क्लाइमेट कुछ ऐसे करके होगा वो डब्लू डब्ल्यू एम ओ है देन क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट ये क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी ही रिलीज करें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है देन ग्लोबल कार्बन बजट तो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स क्लाइमेट चेंज की परफॉर्मेंस अगर आपने देखनी है तो वो एक क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क है एंड जर्मन वॉच तो ये इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इज वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर्स रिपोर्ट तो जब हेरिटेज की बात आती है तो कौन इन्वॉल्व होता है यूनेस्को एंड ग्लेशियर्स है ग्लेशियर्स में स्पीशीज़ होंगी बायोडावर्सिटी होगी तो आई ओ सी एन वो इन्वॉल्व होगा यहाँ पर यहाँ पर मैप देख लीजिए सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है ये देख लो छोटा शिगरी ग्लेशियर जो है हिमाचल में है गंगोत्री ग्लेशियर चौखंब एरिया उत्तराखंड में है कामेत एरिया उत्तराखंड में है नंदा देवी उत्तराखंड में है ठीक है गंगोत्री चौखंब कामेत एरिया एंड नंदा देवी एरिया जो है वो कहाँ पर है उत्तराखंड में है हिमाचल में क्या है छोटा शिगरी ग्लेशियर कांचन जुंगा पता होगा आपको सिक्किम में है फाइन नेक्स्ट वाली इंपॉर्टेंट नहीं है रिपोर्ट सो so, अभी हमने ट्वेंटी एट पेजेस कवर कर लिए हैं आई थिंक दिस इज इनफ फॉर फर्स्ट लेक्चर एक काम करते हैं कंटिन्यू कर लेते हैं थर्टी uh, पेजेस आपके वन आवर में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं थर्टी पेजेस और कर लेते हैं तो टू आवर्स का लेक्चर हो जाएगा एंड नेक्स्ट टू आवर्स का एक और पार्ट बनाएंगे इसमें पूरा इन्वायमेंट कवर हो जाएगा फाइन सो लेट्स कंटिन्यू विद द पॉल्यूशन टॉपिक यहाँ पे एयर पॉल्यूशन की बात चल रही है सर न्यू टारगेट्स बनाए गए हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में न्यू टारगेट क्या है फोर्टी परसेंट रिड्यूस करना है पर्टिकुलर मैटर बाई ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स फोर्टी परसेंट टारगेट है किसकी बात हो रही है पर्टिकुलर मैटर्स की पर्टिकुलरली पर्टिकुलर मैटर को कम करने चालीस परसेंट ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स तक ये न्यू टारगेट रहेगा नेशनल क्लाइमेट एयर प्रोग्राम का क्लीन एयर प्रोग्राम का ठीक है टू थाउजेंड नाइनटीन में ये लॉन्च हुआ था एंड uh, ये पैन इंडिया प्रोजेक्ट नहीं है वन थर्टी टू सिटीज़ में ही सिर्फ लॉन्च हुआ था इसमें कैटेगरीज है ये जैसे कुछ नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं नॉन अटेनमेंट सिटीज़ क्या होती हैं ये वो होती हैं जो कि कंफर्म नहीं कर रही है टू नेशनल एम्बियट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मतलब बहुत ख़राब सिचुएशन में हैं एन ए की स्टैंडर्ड्स जो है उनको नहीं फुलफिल कर पा रही है फॉर कॉन्सिक्वेंटली फाइव ईयर्स उनको हम नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में डाल देते हैं टोटल वन ट्वेंटी थ्री सिटीज़ हैं ऐसी देन मिलियन प्लस सिटीज़ हैं आठ इनको आइडेंटिफाई कौन करते हैं फिफ्थ फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन ने इसको आइडेंटिफाई करा है मिलियन प्लस सिटीज़ को एंड इनको जैसे ही एयर क्वालिटी इंप्रूव करती जाएंगी उस बेसिस पे इनको ग्रांट्स मिलेंगी एक प्राण पोर्टल है तो ये एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़ उसको रेगुलेट करता है दैन एक स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवामेंट एम का है ये एम के अंदर ही इसको लॉन्च करा है ठीक है स्वच्छ वायु तो बाकी ये सब इतना करने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट इज नॉर्म्स फॉर थर्मल पावर प्लांट्स So, इसमें क्या है सो so, फर्स्टली ये जो 2015 में एम ओ एफ e. सी सी नए इन्वॉर्मेंटल नॉर्म्स लाए थे फॉर पर्टिकुलर मैटर फॉर फॉर यूज इन कोल कोल बेस्ड थर्मापॉल प्लांट्स ठीक है तो जैसे पी एम एस ओ टू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स मर्करी वाटर यूज इन सब के लिए कुछ नॉर्म्स करे थे उन्होंने एंड बाद में इसको ट्वेंटी सेवनटीन तक ही मैंने इसका डेडलाइन था जैसे हमने क्या देखा कि 2015 में लॉन्च किया दो साल के लिए कि 2017 तक अचीव करना है फिर बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया 2022 तक और अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था कि इसको फिर से दो साल के लिए टू ईयर का दोबारा से एक्सटेंशन दे दिया है सिर्फ एस ओ टू नॉम के लिए 2015 में लॉन्च हुआ 2017 तक अचीव करना था फिर सबके लिए ट्वेंटी कर दिया कि इसमें अचीव करना है लेकिन अभी जो सिर्फ एस ओ टू नॉम्स हैं उसके लिए दो साल का और एक्सटेंशन मिल गया तो ट्वेंटी में अभी करना है ठीक है अचीव देन ये क्या होता है कम्पलाइंस विद नॉम्स रिक्वायर्स रेट्रोफिटिंग रेट्रोफिट करना होगा एग्जिटिंग जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं विद एक्सोरीज ऑफ कार्बन कंट्रोल एमिशन जैसे फ़्लू गैस डिसलफ्राइशेशन ये टेक्नीस वहाँ पे यूज़ करनी होगी ये टेक्नोजीज लानी होगी वहाँ पे सेलेक्टिव कैटल रिडक्शन एक्सेट्रा ये फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन क्या है नाम से ही समझ में आ रहा है डिसल्फ्राइजेशन एस ओ डू को कम करने के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज होती है ठीक है और ये जो इतना ज़्यादा ये आई डोंट थिंक इतना याद भी रहेगा और करने की भी जरूरत नहीं है नेक्स्ट इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सो इसने कोल जो है वो बैन कर दिया है दिल्ली में नियर बाई सिटीज़ में है क्या ये स्टैटूटरी बॉडी है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैटूटरी बॉडी है ट्वेंटी वन का भी रिसेंटली एक एक्ट आया था कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एड्वाइनिंग एरिया तो वहाँ से ये स्टैटुटरी बॉडी बनी है फाइन पहले इसका ऑर्डीनेंस से बनाया था बाद में एक्ट ले आए थे इसका चयरपर्सन होता है जिसको फिफ्टी ईयरस का एक्सपीरियंस रहना चाहिए इन या पॉल्यूशन रिलेटेड चीज़ों में या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना होना चाहिए पच्चीस साल का ही ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस पच्चीस साल का और पंद्रह साल का अगर एक्सपीरियंस है फील्ड ऑफ एनवामेंट में तो चल जाएगा ठीक है नेक्स्ट इज एनजीटी के पास इसकी अपील जाती है तो अपील होती है किसके पास जाती है एनजी के पास में इतना काफ़ी है नेक्स्ट इज ग्रेडिड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ये क्या है ये पर्टिकुलरली एनसीआर के लिए है दिल्ली के लिए है ये और इसमें क्या है एयर पोल्यूशन के लिए एयर पोल्यूशन को कम करना है ग्रेडिड वे में मतलब फेज वाइज फेज वाइज में इसको स्टेजेस चल के इनको एयर पोल्यूशन को कम करना है एनसीआर में दैट्स इट इतना ही है और ये जहां तक मुझे याद है ये सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का इनिशिएटिव है ये ठीक है इसमें आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए जीआरएपी जो है ये सीपीसीबी का इनिशिएटिव था ठीक है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर अप्रूव करा था ठीक है था ये इनिशिएटिव किसका सीपीसीबी का और इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है अभी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वॉर्मेंट और इसमें चार स्टेजेस होती हैं स्टेज वन पुअर है स्टेज टू वेरी पुअर स्टेज थ्री सिवियर एंड स्टेज फोर सीवियर प्लस इतना काफ़ी है देन ये कुछ बायो डिकम्पोजर कैप्सूल बनाया है आई ए आर आई ने इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तो इसमें क्या है ये एक्सलेट करता है डिकम्पोजिशन ऑफ स्टबल ठीक है उसको मैनुअल में कन्वर्ट कर, कर देता है और उसको डिकम्पोज कर देता है ये तो बायो डिकम्पोजर कैप्सूल है ये देन डब्ल्यू एच ओ का एयर क्वालिटी डेटा बेस सो रिसेंटली डब्ल्यू ने अपना ट्वेंटी ट्वेंटी टू का अपडेट रिलीज़ कराया है एयर क्वालिटी डेटाबेस का सो so, इसने इससे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिंपली वही देखेंगे तो इस वक्त याद रख लो कि फर्स्ट टाइम इसमें एन टू को भी इंक्लूड करा गया है ठीक है एन टू विच इज़ ए कॉमन अर्बन पल्यूटेड एम्पीकर्सर ऑफ पर्टिकुलर मैटर एन ओ जोन टू जो है उसी की वजह से पर्टिकुलर मैटर और ओ बनता है ठीक है मतलब ये भी उसमें होता है सो so, ये सब चीज़ें हैं बाकी ऐसे ही है दैन नैशनल रिसोर्स एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया ये याद कर लेना नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया सो ये एन आई ए एस बेंगलुरू का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ बेंगलुरु का इन्होंने डेवलप करा है विद सपोर्ट फ्रॉम ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ठीक है तो एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क किसका है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवास स्टडीज़ एन आई ए एस बेंगलुरु और ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ये सपोर्ट करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है अदर इनिशियटि सो फर्स्ट इज़ भारत स्टेज सिक्स नॉर्म्स सो so अभी रिसेंटली क्या है ये हमको पता है फर्स्टली आपको चीज़ें याद दिखनी है कि ये भारत स्टेज नॉम्स किसके लिए है एयर पॉल्यूटन जो आता है कम्बशन एंजर वग़ैरह से उसको कंट्रोल करने के लिए है इंडिया ने यूरोपियन कमीन के स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड जो है ये बी एस नॉर्म्स इन्हीं को अडॉप्ट करा है तो मतलब इंस्परेशन कहाँ से मिले यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड से एंड ट्वेंटी ट्वेंटी से जो है वो बी एस सिक्स जो है ये मैंडेट्री हो गया था पहले बी एस फोर था और हम डायरेक्टली सिक्स में शिफ्ट कर रहे हैं ठीक है फिफ्थ वाला हमने अडोप्ट नहीं करा देन इसका क्या है पेट्रोल व्हीकल्स के लिए ट्वेंटी फ़ाइव परसेंट एन ओ एक्स रिड्यूस कर देगा ये ठीक है जो बी एस सिक्स नॉम्स हैं वो बी एस फोर नॉम्स के कम्पेरिजन में ट्वेंटी फाइव परसेंट एन ओ टू एन ओ एक्स को जो है वो कम कर देगा नाइट्रोजन ऑक्साइड को ठीक है फ्रॉम एटी एम जी पर किलोमीटर टू सिक्सटी एम जी पर किलोमीटर और डीजल कार्स के लिए ये एन ओ एक्स हाइड्रोकार्बन पी एम एनुएएस लेवल इनको सेवेंटी परसेंट कम कर देगा ठीक है पेट्रोल के लिए पच्चीस परसेंट कम कर देगा और डीजल के लिए सेवेंटी परसेंट कम कर देगा और टाइमलाइंस वगैरह जो है स्टैंडर्ड्स वगैरह जो रहेगा वो सी पी सी बी सेट करेगा नेक्स्ट इज ट्रेम स्टेज फोर एमिशन नॉर्म्स ट्रम याद रखना है ट्रम क्या है ये जो भी ट्रैक्टर्स रहते हैं मतलब सेम ही है एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं बट जो वो ट्रैक्टर्स जिनके इंजन जो है वो फिफ्टी हॉर्स पावर से बड़े होते हैं तो उस पर लागू होता है ये ठीक है एप्लीकेबल टू तो ट्रैक्टर्स विद इंजन बिगर दैन फिफ्टी हॉर्स पावर याद रखना है आपको दैन पैलेटाइजेशन टॉरीफेक्शन क्या है सिंपली आप देखना है टिक्निक्स किसके लिए यूज़ हो रही है सो so, जो पैडी स्ट्रॉ है उसको आप बायोमास में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो पैलेटाइजेशन एंड टॉरीफक्शन पैलेटाइजेशन में क्या होती है इसमें श्रेडिंग होती है ड्राइंग होती है ग्राइंड करके उसको पैलेट के फॉर्म में छोटी छोटी पैलेट्स के फॉर्म में बना देंगे एंड टॉरीफक्शन में क्या होता है इसका थर्मल डिग्रेडेशन होता है ऑर्गेनिक बायोमास का ठीक है थर्मल डिग्रेडेशन होता है और दूसरी बार में ग्राइंडिंग वगैरह ये सब होता है बस ये डिफरेंस है और मेजर डिफरेंस क्या है त... होता है इसमें टॉरीफेक्शन रिएक्टर होता है टॉरीफेक्शन टेक्निक में पैरटाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं होता सिंपली ड्राइंग ग्राइंडिंग ये सब चीज़ें होती हैं देन ग्रीन क्रैकर्स तो ग्रीन क्रैकर्स जो है वो थर्टी परसेंट लेस ऑपरेशन कॉस करते हैं देन द ट्रेडिशनल वंस एंड इसमें कोई भी हेजर्डस्स एलिमेंट्स नहीं होते लाइक बेरियम नाइट्रेट ये सब नहीं होते हैं इसमें ठीक है एंड ये कौन प्रोड्यूस कर सकता है ओनली दो लाइसेंस मैनुफेक्चरर्स जिनको सी एस आई ने अप्रूव करा है यहाँ पे यूपीएससी फंसा सकती है जैसे कि ये लिख देंगे कि लाइसेंस मैनुफैक्चरर्स जिनको अप्रूव करा है सी ने गलत हो जाएगा ठीक है कौन है सी ओके एंड जो पेसो है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन तो ये इसको सर्टिफाई करती है कि ये जो क्रैकर्स हैं दीज आर विदाउट आर्सेनिक मर्खरी बेरियम एंड दीज आर नॉट लाउड बियॉन्ड अ सर्टन थ्रेश ठीक है तो पेसो जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ये भी याद रखना है जो एक्सप्लोजिवस वाली है ना पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर है फाइन एंड यही इसको सर्टिफाई करती है कि ये इसमें आर्सेनिक नहीं है मरकरी बेरियम ये सब नहीं है इसमें तीन कैटेगरीज आती हैं स्वास स्टार एंड सफ़ल स्वास मतलब इसमें वाटर रिलीजर सेफ वाटर रिलीजर होता है स्टार क्या है सेफ थर्माइट क्रैकर है एंड सफ़ल क्या है सेफ मिनिमल अलूमिनियम है तो ये पूछ सकते हैं कि स्वास स्टार सफल जो है किसके रिलेटेड है ग्रीन क्रैकर से रिलेटेड है देन ब्रद्ड लाइफ कैंपेन क्या है सो so, ये डब्ल्यू एच ओ का है एंड यू एन ई पी का है एंड सी सी ए सी का है सी सी ए सी का अभी हमने ऊपर एक रिपोर्ट पढ़ी थी वो आप बताइए कॉमेंट सेक्शन में कि, कि किसकी रिपोर्ट थी वो क्या रिपोर्ट थी फाइन सी सी ए सी एंड यू एन ई पी रिलीज़ करता था उसको ये आप बताएंगे कौन सी रिपोर्ट थी सो ब्रद्ड लाइफ कैंपेन जो है किसका इनिशिएटिव है डब्ल्यू एच ओ यू एन ई पी सी सी ए पी सी सी ए सी एंड इसमें क्या है कि सिटीज़ और इंडिविजुअल्स को मोबिलाइज़ करना है कि वो एयर पोल्यूशन को सेफ़ लेवल्स तक लेके आएँ ठीक है नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन सो यहाँ पे यू एन का वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर हुआ था ट्वेंटी ट्वेंटी टू में सो दिस समिट वॉज कॉन्क्लूडेड इन पैरिस एंड ऑर्गेनाइज किसने किया था यू एन वाटर यूनेस्को का इंटरनेशनल ओके यू एन वाटर यूनेस्को एंड इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असमेंट सेंटर ठीक है सो ये भी इम्पोर्टेंट है याद रखना पड़ेगा यू एन वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर कहाँ पर हुआ था पैरिस में हुआ था कि ऑर्गेनाइज़ किया था यू एन वाटर यूनेस्को एंड इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट सेंटर ठीक है और ये इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस असेसमेंट सेंटर जो है ये यूनेस्को का सेंटर है दैट वर्कस अंडर डब्ल्यू एम ओ साइट एंड उसको नीदरलैंड फाइनेंशली सपोर्ट करता है यूनेस्को का सेंटर है एंड डब्ल्यू एम ओ के अंडर है इतना याद इतना है एंड इसमें थीम क्या था नहीं इसमें एक कैंपेन था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इन विजिबल विजिबल कैम्पेन अगर कुछ ऐसा होता है ना मेकिंग द इन विजिबल विजिबल कैम्पेन ये किसके रिलेटेड है तो ये ग्राउंड वाटर के रिलेटेड है किसका था यू एन वाटर का था ठीक है ये अभी याद रखना है एंड नेक्स्ट इज डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट जो मिनिस्ट्री जल शक्ति का है तो इंपॉर्टेंट है डायनामिक ग्राउंड वाटर की बात आएगी तो जल जल शक्ति मिनिस्ट्री एंड इंडिया जो है वो लार्जेस्ट यूजर है ग्राउंड वाटर का एंड उसमें वन फोर्टी एट वन फोर्थ जो पार्ट है ग्लोबल ग्राउंड वाटर विद्रोल का वो इंडिया से होता है एंड और जो एटी सेवन परसेंट जो हमने वहाँ से एक्सट्रैक्ट करा ग्राउंड वाटर वो इरीगेशन के लिए यूज़ होता है एंड सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे होता है जो सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कहाँ पे होता है मतलब ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट हरियाणा पंजाब राजस्थान दादर नगर हवेली दमन एंड दीव सो so, ये सब रीजन में इसलिए क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसकी वजह से हम बोल सकते हैं दैट वाज वन ऑफ द रीज़न नेक्स्ट इज वाटर कन्वेंशन तो रिसेंटली 2022 इट मार्क्ड द मार्क एनिवर्सरी ऑफ यू इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप वाटर कन्वेंशन सो याद रखना है कि वाटर कन्वेंशन जो है वाटर कन्वेंशन वो किसका इनिशिएटिव था यू एन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप उसका इनिशिएटिव था ये भी इंपॉर्टेंट है वाटर कन्वेंशन ये हमने वाटर के रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पढ़ लिया आज एक तो जैसे वाटर कन्वेंशन हो गया देन ये जो वाटर सबमिट ऑन ग्राउंड वाटर हुआ था ठीक है उसमें कौन कौन थे यू एन वाटर यूनेस्को एंड आई जी आर एसी एंड ये जो ग्राउंड वाटर का हो गया देन ये वाटर कन्वेंशन जो है ये किसका था यू एन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप का ठीक है इसका फुल नाम क्या है कन्वेंशन का वाटर कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांसपोर्मरी वाटर रिसोर्स एंड इंटरनेशनल लेक्स कोई भी नाम आएगा तो पहचान लेना है कि किसका है ये यू एन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप का नाइनटीन नाइनटी टू का ही है ये भी सो इट वॉज अडोप्टेड इन हेल्थ सिंह की नाइनटीन नाइनटी टू में एंड फोर्थ में आया था नाइनटीन नाइनटी सिक्स में इतना ही याद रहेगा तो वो भी काफ़ी है ठीक है देन नेक्स्ट ये देख लो यू एन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप अब यूरोप के लिए तो इंडिया इज नॉट अ मेम्बर यूनेस्को ने सेटअप किया था ये ठीक है नेक्स्ट इज अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज तो अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज होते क्या है ये वो वाटर हैं जो कि इन्फीरियर क्वालिटी के होते हैं जैसे सलाइन वाटर हो गया ब्रैकिश वाटर एग्रीकल्चर ड्रेनेज वाटर एक्सेट्रा तो ये हो गया अनकन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल वाटर और ये देख लो हंड्रेड परसेंट सेचुरेशन ऑफ ग्रे वाटर मैनेजमेंट जो है ये अचीव कर लिया गया है पापानकुजी विलेज ऑफ तमिलनाडु इसके थ्रू ठीक है पीछे हमने पढ़ा था एक पल्ली विलेज इन जम्मू उसने क्या अचीव करा था वो आप बताएंगे इन कमेंट सेक्शन ओके और नेक्स्ट हमने करा कि विलेज तमिलनाडु हंड्रेड परसेंट है जो भी वेस्ट वाटर होता है बात शॉवर हैंड बेसेंस एंड वॉशिंग मशीन डिश वॉशर एक्सेट्रा तो इन, ये होता है ग्रे वाटर एक्सक्लूडिंग स्ट्रीम्स फ्रॉम टॉयलेट्स क्योंकि ये ब्लैक वाटर में आ जाते हैं ठीक है नेक्स्ट इज हैवी मेटल कंटामिनेशन सो हैवी मेटल्स क्या होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं जिनका हाई एटॉमिक वेट होता है एंड वाटर से डेंसिटी जो है पाँच टाइम्स ज़्यादा होती है ठीक है उनको हैवी मेटल्स कहते हैं एग्जाम्पल्स क्या हैं लेड ऑयरन निकल कैडमियम आर्सेनिक क्रोमियम कॉपर ये सब क्या हैवी मेटल्स हैं और क्या कह रहे हैं ये कि हैवी मेटल कंटामिनेशन हो रहा है मतलब वाटर जो है रिवर मॉलिटिंग स्टेशन एक्सेट्रा ये सब इन्होंने रिपोर्ट करा है कि हैवी मेटल पल्यूशन हो चुका है अच्छा अब ये देखिए कि कुछ हैवी वाटर कंटामिनेंट्स हैं उनका इम्पैक्ट क्या होता है कुछ कॉमन मेटल वाटर कंटामिनेट्स होते हैं उनका क्या इंपैक्ट रहता है ह्यूमन हेल्थ पे ये इंपॉर्टेंट है आर्सेनिक से होते होता है ब्लैक फुट डिजीज़ ये क्वेश्चंस आ भी चुके हैं ऑलरेडी आर्सेनिक से क्या होता है ब्लैक फुट डिजीज़ ए के साथ बी आएगा ऐसे याद रखो ए के साथ बी आएगा तो आर्सेनिक ब्लैक ब्लैकफुथ डिजीज़ और कुछ स्किन डिजीजेज भी हो जाती हैं डिसफिगरिंग ऑफ स्किन हो जाता है ठीक है बाकी सब याद नहीं रहेंगे तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ेंगे फ्लोराइड जो है ये तो याद रह रहें जाएगा फ्लोरियोसिस स्केलेटल फ्लोरियोसिस हो रहा है डेंटल फ्लोसिस हो रहा है मैंगनीज ये भी छोड़ सकते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यूरेनियम से किडनीज को इम्पैक्ट होता है बोन कैंसर का रिस्क हो सकता है और नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है ठीक है अच्छा ये बी और बी में कन्फ्यूजन हो सकती है तो ये सिंड्रोम है ना तो एस वाई एन एन से याद रख सकते हैं नाइट्रेट नाइट्रेट से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम ओके इसमें क्या होता है मिथेमोगलोबेनिया ये कैसे सिचुएशन होती है जिसमें ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है ठीक है तो ये गया ब्लू बेबी सिंड्रोम और इसी को मिथेमोग्लोबेनिया uh, जो है ग्लोबीनीमिया ये भी कहते हैं ठीक है नाइट्रेट से होता है इतना याद रखना है तो इफेक्ट्स क्या हो सकते हैवी मेटल एक्सपोजर के ह्यूमन हेल्थ पर स्लो स्लोली प्रोग्रेसिंग फिजिकल मस्क्यूलर एंड न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेटिव प्रोसेस हो सकते हैं जैसे कि एल्ज़ाइमा डिजीज या पार्किसन डिजीज़ की तरह ठीक है इन्वामेंट पर क्या हो सकता है ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंस की बायोडिग्रेडेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है एंड को लेस डिग्रेडेबल बना सकता है प्लाट्स का क्या है सॉइल फर्टिलिटी कम कर सकता है एंड फोटोसिंथिस को भी डिस्टर्ब कर सकता है आई आई टी मंडी ने एक फाइब्रस मेम्ब्रेन फिल्टर बनाया था यूजिंग अ बायोपॉलीमर बेस्ड मटेरियल जो कि हेवी मटेरियल को वाटर सैम्पल से सेपरेट कर सकता था ठीक है दैन नेक्स्ट इज लड पॉइजनिंग सो लड पॉइजनिंग के लिए अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जो एंडली प्रिपेड बाई नीति आयोग एंड सी एस आई आर ठीक है इन्होंने कहा कि इंडिया में वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो बर्डन है लड पॉइजनिंग की वजह से वो है तो मतलब इंडिया जो है सबसे ज़्यादा ब्लड पॉइजनिंग से डील कर रहा है एंड बिहार यूपी एम पी झारखंड छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश यहाँ पर हाइएस्ट एवरेज ब्लड लड लेवल्स मिले गए हैं ठीक है बिहार यूपी मध्य प्रदेश झारखंड छत्तीसगढ़ एक्सेट्रा सोर्स क्या होते हैं लड के तो नेचुरली ये अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं देन माइनिंग स्मेल्टिंग रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज़ और उनके वेस्ट में ये लेड काफ़ी मिलता है ठीक है माइनिंग की वजह से हो सकता है स्मेल्टिंग की वजह से रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज एंड उनके वेस्ट की वजह से एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं आयुर्वेदा मेडिसिन होती हैं इनमें भी लेड होता है ठीक है आयुर्वेदा मेडिसिन आपको लग सकता है कि यार ऐसा क्यों बट हाँ ऑप्शन में अगर होगा तो होगा इसमें भी इसकी वजह से भी लेड होता है इसमें भी एंड दिस इज़ प्रेजेंट इन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स इन बैटरीज में भी होता है पॉटरीज में होता है वाटर बॉडीज में भी होता है इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं लड़के? के सो प्री मेच्योर बर्थ हो सकता है ठीक है उनका वेट कम हो सकता है बर्थ वेट कम हो सकता है उनकी ग्रोथ स्लो हो सकती है इन की देन लेड एक्सपोजर की वजह से एनीमिया हो सकता है एंड ब्रेन डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करता है ये लो आई की हो सकता है इसकी वजह से दैन नेक्स्ट इज पर फ्लोरोल का सबर चांसेस एंड पॉलीफ्लोरोल का सबरचांसेज तो रिसेंटली एक रिसर्च आई थी जिसने कहा कि रेन वाटर जो है अराउंड द वर्ल्ड डिसकन्टामिनेटेड बाई दीज सबर चांसेस इनको फॉर एवर केमिकल्स कहते हैं ठीक है एंड बिकॉज ये डिग्रेड नहीं होते इजीली इसलिए, इसलिए इनको फॉर एवर केमिकल्स कहते हैं इसमें स्ट्रॉन्ग कार्बन एंड फ्लोराइड बॉन्ड्स होते एंड इनको एज अ पी ओ पी जो है लिस्ट uh, किया गया है इंड स्टॉक होम कन्वेंशन ठीक है तो ये दोनों क्या है जैसे पी एफ एस लाइक पर फ्लो ऑक्टेन सल्फॉनिक एसिड एंड पर फ्लोरो ऑक्टेन ऑक्टेनॉक ऐसे जो है ये पी ओ पीज पे हैं अंडर स्टॉक होम कन्वेंशन एंड इनसे प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं? कि हेल्थ रिस्क हो सकते हैं जैसे कि फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो सकती है ब्रेन सॉरी चिल्ड्रन के जो डेवलपमेंटल इफेक्ट्स हो सकते हैं चिल्ड्रन को नेगेटिव वही बॉडी हार्मोन के साथ कोई इंटरफेरेंस हो सकते हैं इंक्रीज कोलेस्ट्रॉ लेवल्स हो सकते हैं लिवर डैमेज हो सकता है किडनी डैमेज हो सकता है एक्सेट्रा मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कैंसर भी हो सकता है एंड दिस आर डिफ़िकल्ट टू कैप्चर एंड डिस्ट्रॉय राइट डिफिकल्ट टू कैप्चर एंड डिस्ट्रॉय अच्छा अब ये देखिए इसको यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं किन किन चीज़ों में पीएफए मिलता है तो जो नॉन स्टिकी कुकवेयर होते हैं फायर फाइटिंग फोम्स होती हैं वाटर एंड ऑयल प्रूफ एप्रल जो होते हैं उनमें भी ये सब चांसेस मिलते हैं स्टेन रेजिस्टेंट कारपेट वगैरह जो होते हैं देन बायोसाइड्स जो होते हैं एंड क्लिनिंग एजेंट्स होते हैं इमप्रेग्नेशन स्प्रेज होते हैं फूड पैकेजिंग इवन उनमें भी ये मटेरियल्स यूज होते हैं ठीक है नेक्स्ट इज़ अदर वाटर पॉलिटेंट इन न्यूज़ तो एक है नॉनीफिन नॉनीफिन जो है ये नॉनीफिन लौ, जो हैं इनकी प्रोडक्शन में भी यूज होते हैं इनको सरफेक्टेंट्स की तरह यूज़ करते हैं एंड डे टू डे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं जैसे कि डिटर्जेंट्स हो गए वेटिंग एजेंट्स हो गए डिस्पर्सेंट्स हो गए ठीक है तो ये अपने डे टू डे चीज़ों में यूज होते हैं ये लाइक सरफेक्टेंट्स एंड डिटर्जेंट्स एक्सेट्रा एंड यू एन ई पी हेज डेजिग्नेटेड नॉफिनॉल एज केमिकल ऑफ ग्लोबल कंसर्न इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है एंड इंडिया में कोई भी स्टैंडर्ड्स नहीं है फॉर नॉनीफिन इन ड्रिंकिंग एंड सर्फेस वाटर्स कि कितना होना चाहिए कितना नहीं तो वैसा कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है एंड केमिकल ऑफ ग्लोबल कंसर्न है ये दैन एंडोसल्फिन क्या है सो so, ये एक बायोसाइड है या पेस्टिसाइड बोल सकते हैं ठीक है पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए है एंडोसल्फान सिंपली बोलेंगे वो ये क्या है तो इट इज़ अ पेस्टिसाइड ठीक है कॉटन कैश्यू फ्रूट्स टी पैडीस इन सब पे स्प्रे की जाती है पेस्टिसाइड पेस्ट से बचाने के लिए इसको बैन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने स्टॉक कन्वेंशन के अंडर दिन कुछ और भी पेस्टिसाइड हैं जिनको कंप्लीटली बैन कर दिया था ये काफ़ी ज़्यादा हैं याद तो नहीं रहेंगे बट एक बार पढ़ देती हूँ मैं एलाक्लोर है डाइक्लोवोस है ट्राइक्लोफोन है फॉस्फेमिडोन है मिथाइल पैराथियन है पैराथियन याद रखना पैराथियन अगर कुछ होगा तो पेस्टिसाइड है ये फोरेट ये भी पेस्टिसाइड है एंड ट्रायाजोफोज जो है ये भी पेस्टिसाइड है ठीक है एलाक्लोर डाइक्लोवोस ट्राइक्लोरफोन ट्रायाजोफोज फोरेट पैराथियन ये सारे क्या हैं ये पेस्टिसाइड्स हैं ओके या फिर पी ओ पीस हैं पेस्टिसाइड या पी ओ पीस हैं ये ठीक है देन नेक्स्ट इज क्लोरपाइफ पायरीफॉल्स क्लोर पायरीफोल्स फिप्रोनिल एट्राजीन पैराक्ट ये क्या है सो ऑल दीज आर insecticides, पेस्टिसाइड वही सब हैं ये ठीक है पेस्टिसाइड्स ही हैं ये भी और जैसे क्लोर क्लोर पायरीफॉल्स जो है ये सॉइल बॉर्न इंसेक्टेस्ट जो है इनके लिए यूज़ होता है दैन फिप्रीनऑल जो है ये एंड्स वगैरह को काकरोचेज वगैरह को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है एट्राजीन जो है ये भी वीड्स वगैरह को कम करने के लिए पैराक्ट जो है इट इज़ ऑलसो यूज टू कंट्रोल वीड एंड ग्रास तो हर्बी है ये तो क्लोर पायरीफॉल्स फिप्रोनिल एट्राजिन पैराक्टी सारे क्या हैं पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड कुछ भी आएगा तो मार देना देन माइक्रो प्लास्टिक क्या होती है छोटी छोटी प्लास्टिक होती है लेस देन फाइव एम एम एन साइज बस इतना याद करना है हाँ ये देख लो अकॉर्डिंग टू यूजिंग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी माइक्रो प्लास्टिक्स और टॉक्सिक केमिकल्स कंटेनिंग साइक्लोहेक्साइल फंक्शनल ग्रुप वर डिटेक्टेड विच वर फाउंड रिस्पांसिबल फॉर द एलमेंट्स इन फिश तो मतलब मेरीन स्पीशीज के लिए जो है ये हार्मफुल होते हैं ये क्वेश्चन भी आया था एक बार ठीक है अच्छा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है एक नॉन डिस्ट्रक्टिव केमिकल एनालिसिस टेक्निक है तो केमिकल एनालिसिस के लिए एक टेक्निक है ये ठीक है जो कि डिटेल इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट केमिकल स्ट्रक्चर उनके मोलिकुलर इंट्रेक्शन कैसे हो रहे हैं वो सबका नैनो प्लास्टिक क्या है तो जो स्मॉलर देन वन थाउजेंड नानोमीटर हो ठीक है नानो प्लास्टिक क्या हो गया जो लेस देन वन थाउजेंड नानोमीटर जिसका साइज हो एंड माइक्रो प्लास्टिक इसका होता है क्या होता है जिसका लेस दिन फाइव एम एम Uh, जो साइज़ है वो दैट्स इट और जो नानो केमिकल्स होते हैं वो सेल डैमेज एंड इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं ह्यूम्स में ग्रोथ इंपेयमेंट्स हो सकते हैं लार्वल डिफॉर्मिटीज हो सकते हैं मरीन स्पीशीज पे भी टॉक्सिक इफेक्ट्स हो सकते हैं नेक्स्ट इज अर्थ गंगा तो सेवरल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए थे अंडर अर्थ गंगा कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट जो कि पीएम ने दिया था अभी रिसेंटली अर्थ गंगा कॉन्सेप्ट तो इसके अंडर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए थे अर्थगंगा क्या है तो जो कॉन्सेप्ट जो कि पीएम मोदी जी ने दिया था ज्यूरिंग नेशनल गंगा काउंसिल मीटिंग इन कानपुर इन 2019 इसमें करना क्या है इकोनॉमिक लाइवलीहुड बनानी है इकोनॉमिक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ टू सस्टेन एक्टिविटीज अंडर नमामी गंगे प्रोजेक्ट तो अर्थगंगा क्या है मतलब वो है ना अर्थ काम मोक्ष तो अर्थ मतलब इकोनॉमिक लाइवलीहुड से डील करता है और गंगा है अर्थ गंगा, तो मतलब नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंडर है तो वहाँ पे सस्टेनेबल लाइवलीहुड क्रिएट करना है और इसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि तीन परसेंट जी को ये कॉन्ट्रीब्यूट करे ठीक है तो इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ मोर देन थाउजेंड करोड़ ये सब छोड़ो बट हाँ तीन परसेंट को कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए ओके okay, देन तो यहाँ पर देख लेते हैं न्यू इनिशियेटिव क्या क्या लॉन्च किए हैं अंडर अर्थ गंगा तो so, इनिशियेटिव में फर्स्ट है जलज जलज क्या है यहाँ पे फ्लोटिंग शॉप्स स्मॉल शॉप्स फ्लोटिंग मोबाइल सेंटर्स ये सब बनाने हैं एंड लाइवलीहुड को प्रमोट करना है जलज जो है लाइवलीहुड को प्रमोट करने के लिए है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा देन जो नेशनल नमामी नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा एंड सहकार भारतीय इनमें कोई एम साइन हुआ था इसमें क्या है कि सहकार गंगा ग्राम्स बनाने हैं सहकार गंगा ग्राम ग्राम्स जहाँ पे हमको नेचुरल फार्मिंग प्रमोट करनी है थ्रू फार्मर्स एफ पी ओस कोऑपरेटिव सहाकार मतलब कि कॉपरेशन को ही बोलते हैं ठीक है कोऑपरेटिव को बोलते हैं तो उनके थ्रू नेचुरल फार्मिंग करनी है नेक्स्ट इज तो ये हो गया सहाकार गंगा ग्राम देन टूरिज्म रेला टेंट पोर्टल आई एम अवतार करके लॉन्च करा था ठीक है इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि आप इग्नोर कर सकते हो नहीं बट एक बार पढ़ देते हैं इसको इसमें क्या क्या करेंगे इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग करना है ठीक है लोकल कैपेसिटीज़ बनानी है देन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना है मोनिटाइजेशन ऑफ स्लज एंड वेस्ट वाटर करना है ठीक है उसे भी लाइवलीहुड आएगा रिसाइकलिंग के थ्रू देन ये जनरेशन अपॉर्चुनिटीज़ हाँ लाइवलीहुड जनरेशन अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए टूरिज्म वगैरह प्रमोट करना है सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रमोट करना है दैट्स इट नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटीज़ तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है इन्होंने लॉन्च करा था डिजिटल डैशबोर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम ये सब इग्नोर कर सकते हैं उतना इंपॉर्टेंट है नहीं है स्टॉक होम ये देख लो स्टॉक होम वर्ल्ड वाटर वीक तो स्टॉक होम सिंपल याद रखना वर्ल्ड वाटर वीक जो है ये कौन ऑर्गेनाइज करा किसने ऑर्गेनाइज करा स्टॉक होम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट ने बस इतना सा याद रख लो और एक नॉन फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूट है ओके okay? नेक्स्ट इज़ क्यों ये ऐसा क्यों क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा ना वर्ल्ड वाटर एक तो वाटर कन्वेंशन थी तो वहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन है मतलब यूएन इकोनॉमिक जो, जो बॉडी थी फॉर यूरोप कहीं वो तो नहीं है यू एन वाटर वो सब तो नहीं है तो ये चौक हॉम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट इन्होंने ये करा था ऑर्गेनाइज़ ठीक है नेक्स्ट इज़ अदर इनिशिएटिव फॉर वाटर कंजर्वेशन तो फर्स्ट इज़ भारत टैप तो भारत टैप किसका है मोहबा का है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इनका है भारत टैप इनिशिएटिव इसमें क्या है कि लो फ्लो सैनिटरी वेयर एट अ स्केल एंड ये प्रोवाइड करना है एंड रिड्यूसिंग वाटर कंजम्पशन एट सोर्स कंसिडरेबली तो वाटर कंजम्पशन को कम करना तो क्या है इसमें बस की याद रखना है लो फ्लो वाटर प्रोवाइड करना है ताकि वाटर वेस्टेज जो है वो कम हो वाटर कंजम्पशन जो है वो कम हो एट सोर्स ठीक है और ये अंडर अटल ये जो अंडर अटल मिशन फॉर एजुमेशन ट्रांसफॉर्मेशन जो अमृत मिशन है स्वच्छ भारत मिशन जो है इसी के अंडर ये करा गया था बस इतना ही है नेक्स्ट नि, इज़ निर्मल जल प्रयास निर्मल जल प्रयास जो है ये ये भी अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री का है भारत टैप जो था ये भी अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री का था एंड निर्मल जल जो है ये भी इन्हीं का है और इट इज़ एन इनिशिएटिव लॉन्च किया है महुआ ने एंड इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ठीक है ये क्या है जो काउंसिल है ऑटोनमस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है इग्नोर कर सकते हैं इनको तो बस इतना याद रख लो निर्मल जल प्रयास मोहुआ ने लॉन्च करा है एंड इनिशिएटिव ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल माही देन नेशनल वाटर अवार्ड्स मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च करे थे ये ठीक है और इसमें वही जो एक्सम्पलरी वर्क किए होंगे वाटर कंजर्वेशन वगैरह में स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट इंडिविजुअल तीनों को मिल सकते हैं ये याद रखना है ठीक है नेक्स्ट इज जल दूत ऐप ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का है ये याद रखना है क्योंकि ये डिफरेंट है देखो यहाँ पे वाटर से रिलेटेड ही है सब कुछ भारत टैप जो है ये भी वाटर से रिलेटेड है बट ये महुआ ने करा है निर्मल जल ये भी वाटर से रिलेटेड है बट ये महुआ ने करा है लेकिन वाटर अवार्ड जो जल शक्ति मिनिस्ट्री कर रही है मिनिस्ट्री का ध्यान रखो यहाँ पे जलदूत ऐप जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट कर रही है और इनकेस अगर भूल भी जाता है मिनिस्ट्री तो मोस्ट ऑफ़ द केसेस में यूपीएससी ने मिनिस्ट्री हमेशा गलर्दाली होती है ठीक है तो वो हम उसको वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं बट अगर याद रह जाए तो अच्छा है जलदूत ऐप जो है जलदूत जलदूत मतलब रूरल लैंग्वेज यूज़ की है Uh, थोड़ी देसी लैंग्वेज यूज की है जल दूत दूत ठीक है तो इसीलिए रूरल डेवलपमेंट वैसा याद रख लो ठीक है मतलब कुछ भी वियर्ड सा कॉम्बो बना के द नेक्स्ट इज स्वच्छ सुजल प्रदेश स्वच्छ सुजल प्रदेश जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ये फर्स्ट इंडिया का स्वच्छ सुजल प्रदेश बन चुका है इसको ये सर्टिफिकेशन मिल गई है सर्टिफिकेशन कौन देता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ठीक है तीन कॉम्पोनेंट्स होते हैं ओडीएफ होना चाहिए दैट इज़ ओपन डेफिकेशन फ्री सिक्योर एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होना चाहिए और क्रॉस कटिंग इंटरवेंशन होने चाहिए और सारे ही जो विलेजेस हैं अंडरबैंड निकोबार आइलैंड में उनको हर जल हर घर जल सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है नेक्स्ट इज पेयजल सर्वेक्षण पेयजल सर्वेक्षण जो है ये महुआ का है एंड अमृत मिशन के अंडर एक सर्वे ये कंडक्ट हुआ था ठीक है पेयजल सर्वेक्षण एक सर्वे है महुआ का है एंड अमृत मिशन के अंडर हुआ था अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है इट इज़ अ मॉनिटरिंग टूल एंड एक्सेलेटेड फॉर अमृत मिशन एंड इसमें क्या कि हेल्दी मोटिवेशन हेल्दी कॉम्पिटिशन जो है वो इस्टॉल करना है अमंग सिटीज़ एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ की फोकस एरियाज़ क्या है वाटर यूटिलिटी सर्विसेज़ यूज वाटर यूटिलिटी सर्विसेज वाटर बॉडीज नॉन रेज नॉन रेवेन्यू वाटर एस्टिमेशन ये सब चीज़ों पे फोकस करना है और जो थर्ड पार्टी एजेंसी है एक प्राइवेट फॉर्म है वो कंडक्ट करेगी सर्वेक्शन को ठीक है